Hello guys and welcome back with our another GTA 5 gameplay video. तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? I hope भाई सभी के सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो देखो यार episode 19 में ना बहुत खतरनाक चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। देखो जिस बंदे ने अपना फोन हैक किया था उसकी लोकेशन अपनी सिक्योरिटी पता लगा लेती है और उसके बाद हम उस बंदे की लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम है लेस्टर, जिसको रोलेक्स गैंग ने वहाँ पर काफी टाइम से बंद कर रखा था और अपने सारे काम उसे करवाया करते थे। उसके बाद हम इस लेस्टर नाम के बंदे को अपने बेस पे ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और साथ ही साथ हम उस वाले बंदे को भी लेके जाते हैं जिसको हमने पहले किडनैप किया था और उस पर ट्रस्ट करके छोड़ दिया था। भाई आपको पता होगा कि उसने अपने साथ क्या क्या सीन किया है। मतलब देखो हमने ना भाई उसको भी काफी ज्यादा टॉर्चर किया दोबारा से और उससे हमें पता लगता है कि जो एंथनी है ना डगन बॉस का भाई वो अपने पीछे पड़ा हुआ है। देखो अभी तक तो इसका रीजन हमारे सामने नहीं आया कि वो अपने को क्यों मारना चाहता है और क्या तो रीजन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चल के सब पता चलने वाला है हमको। चलो ये सीन यहाँ पे खत्म होता है, अब आते हैं अपने मेन सीन पे। आप लोगों को याद ही होगा भाई लास्ट एपिसोड में ना हम लोग आ रखे हैं भाई मिलिट्री बेस में यहाँ पे मशीन्स वगैरह चोरी करने के लिए, जिससे हम अपना वेपन का बिजनेस चलाएंगे। और भाई यहाँ का जो मिशन हमारा चल रहा है ना भाई बहुत ही खतरनाक चल रहा था। मतलब हम ना भाई सारे जैसे हमने प्लान्स बनाए थे सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, हमने इजिली बंदे मार दिए, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। पर वहां पर एक माइकल बहुत बड़ी गलती कर बैठता है और वो था वॉच टावर में एक गार्ड को जिंदा छोड़ना। मतलब देखो वो आराम से सबको डोमिनेट करता हुआ बढ़िया जा रहा था, बट वहां पे ना एक बंदा डरा हुआ बैठा होता है जिसको माइकल छोड़ देता है और वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। भाई माइकल जैसे ही वहां से निकलता है ना वो बंदा वहां से सीधा जाता है चीफ के पास और वहां जाके अपने चीफ को सारी चीजें इन्फॉर्म कर देता है कि एक बंदा अंदर आ चुका है और वो ऐसा से सब कुछ कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने जो मशीन्स वगैरह है ना वो सब यहाँ पे ट्रेलर में लोड कर लेती और यहाँ से जस्ट निकलने को जा ही रहा था, तभी अचानक भाई यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के टैंक्स आ जाते हैं और अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या होता है। चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइज IPL ऑलरेडी चल रहा है और मेरे 1X के दोस्त तैयारी कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े कॉन्टेस्ट की कुछ काफी कूल प्राइजेस के साथ। गिव अवे की सभी डिटेल्स ऑलरेडी 1X की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपीयर हो चुके हैं और टूर्नामेंट के आखिरी तक रहेंगी। आप सबके पास है मौका अमेजिंग प्राइजेस जीतने का, सच एज सैमसंग गैलेक्सी 23 अल्ट्रा, एप्पल वॉच 9 सीरीज और 3 टाटा नेक्सॉन कार के सुपर प्राइज। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोग इस लिंक को फॉलो करो और वेबसाइट को रजिस्टर करें, फर्स्ट IPL के विनर चूज करें और बस कॉम्पिटिशन शुरू होने का वेट करें। अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए यूज करें मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा 66,000 का बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। डोंट हेसिटेट एंड विन मोर विद 1X। गाइस भाई यहाँ पर ना सीन अभी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रखा है। मतलब आपको याद होगा जो पीछे वेयर हाउस है ना भाई, हमने यहीं से मशीन्स वगैरह लोड की सीधा ट्रक में और यहाँ से जस्ट मैं निकल ही रहा था भाई, तभी एक बहुत तेज सायरन बजता है और अभी ये देखो भाई यहाँ पर जो टैंक्स हैं इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री गार्ड्स भी आ चुके हैं। भाई फिलहाल ना ये लोग मुझे बहुत देर से कह रहे हैं अपने ट्रक से बाहर निकल जाओ। रुको भाई पहले ना मैं यहाँ पे ट्रक से बाहर निकलता हूँ और एक सेकेंड भाई यहाँ देख रहे हो बंदे कितने सारे यहाँ पे। भाई मेरे अब तक सारे प्लान सही चल रहे थे बट लास्ट में यहाँ पे दिक्कत हो गई भाई बहुत ज़्यादा और मैं नहीं चाहता यार मैं पकड़ में आऊँ यहाँ पे। और एक सेकेंड भाई वहां से कोई गार्ड चिल्ला के बोल रहा है कि तुम जो कोई भी हो अपने हाथों पकड़ो और नीचे लेट जाओ, अगर तुमने यहाँ पे जरा से भी होशियारी दिखाई ना तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा, तुमको हमने चारों तरफ से घेर लिया है। भाई यार कुछ गलत ही सीन हो गया। देखो भाई ये ना मैं यहाँ से ट्रेलर लेके जस्ट भागने वाला था भाई, बट तभी पता नहीं ये लोग यहाँ पे आगे एक सायरन बजता है और सबके सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। पता नहीं भाई क्या तो सीन है अभी ना, फिलहाल मौसम और खराब हो चुका है। और एक सेकेंड भाई ये बंदा कह रहा है हमारा टाइम खराब मत करो, चुपचाप नीचे लेट जाओ वरना हम फायरिंग कुछ ही देर में तुम पे स्टार्ट कर देंगे। भाई 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 रुको रुको, ये बहुत सारे जो अपनी वेस्ट है ना वो यहाँ पे काम नहीं आएगी। देखो मेरी वेस्ट ठीक है बट इतने सारे लोग फायर करेंगे और ऊपर से टैंक भी, तो भाई वेस्ट कुछ काम नहीं आने वाली है इसमें। और एक सेकेंड भाई रुको रुको रुको, जो जगीरा का फ्रेंड है ना उसकी मुझे यहाँ पे रेडियो कॉल आई और वेट भाई वो मुझे कह रहा है माइकल घबराओ मत, हमारी जो सिक्योरिटी है वो तुम्हें बचाने के लिए आ रही है। कहाँ पर है सिक्योरिटी? और एक सेकेंड भाई सामने से अपने हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं बहुत सारे, अब आएगा भाई असली मजा।
रुको रुको, मेरे पास ना पे गन्स भी हैं, रुको रुको, और वेट भाई वो ना मुझे रेडियो पे कह रहा है माइकल फटाफट से तुम जाओ और छुप जाओ और हम इनको देखते हैं। अब गाइस अभी ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अपना व्यू चेंज कर दिया है और ये देखो भाई कितने सारे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, इसमें अपने सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं भाई, पता नहीं ये लोग क्या तो करेंगे यहाँ पे। अब वेट भाई, लोगों ने यहाँ पे मिसाइल फायर कर दिया और प्रयास किया भाई, ये क्या कर रहे हैं इन्होंने भाई, टैंक को यहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर दिया है और एक सेकेंड भाई ये और मिसाइल यहाँ पे छोड़ रहे, और भाई साहब भाई जितने भी सारे टैंक्स ने मुझे घेर रखा था ना वो सब इन लोगों ने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिए हैं भाई। भाई बहुत तकड़ी एंट्री थी इनकी, अब है ना असली मजा भाई। गाइस भाई यहाँ पर ना भी बहुत तकड़ा सीन हुआ है, ये देखो बैंस यहाँ रुक रुक यार, मुझे ना पीछे आना पड़ेगा वरना भाई यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अबे माइकल इधर 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 छुपना है भाई, वो देखो कितने सारे सोल्जर्स आ रहे, अबे इसकी ऐसी की तैसी, निकलो भाई यहाँ से। रुको भाई मुझे ना फॉल बैक करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ सिक्योरिटी गार्ड, हेलो हेलो तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है क्या भाई? रुको मुझे ना रेडियो कनेक्ट करना होगा तभी उन लोगों को मेरी आवाज़ आ पाएगी। हेलो आवाज़ आ रही है भाई, मेरा रेडियो क्यों नहीं काम कर रहा है, एक सेकंड। हाँ अब चल गया, हेलो हेलो सिक्योरिटी फटाफट से अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करो जल्दी से, जो अपनी सेफ गाड़ी वाला ट्रक है ना उसको हेलीकॉप्टर से लेके आओ, मैं वेयर हाउस के जस्ट पीछे हूँ, जल्दी लेके आओ अभी। भाई साहब टैंक टोंक भी आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, मुझे लग रहा है ना इस गन से बात नहीं बनेगी। अब आओ तुम कहाँ पे है बंदे, अब इनकी बैंड बजाता हूँ, एक सेकंड भाई टैंक टोंक भी और निकल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, इनकी ऐसी की तैसी, इसको आरपीजी जरा ब्लास्ट करता हूँ, निकल यहाँ से। चलो भाई इसको तो मैंने उड़ा दिया है, और वेट भाई अपना जो हेलीकॉप्टर है ना वो आ चुका अपनी गाड़ी लेके, लेट्स गो। अरे बैंस की आंख, क्या तकड़ा सीन था। रुको भाई फटाफट से ना अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अब आएगा भाई असली मजा, इसमें ना ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब इनकी बैंड बजाते हैं, और एक सेकंड भाई पीछे अपना कोई बॉडी गार्ड भी बैठा हुआ है ना भाई, अपना जो सिक्योरिटी गार्ड था ना एक इसमें बैठ के भी आया है, और अब इनकी बैंड बजाते हैं भाई। वेट भाई कितने सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुको रुको भाई सिक्योरिटी गार्ड पेल दे भाई, इनमें बजा दे अच्छे से। देखो ऊपर से ना अपना जो गार्ड है वो इनको मशीन गन से अपना फुल पेलने में लगा हुआ है, और हम यहाँ से भाई देखो यार ये ट्रक ना इतना पैसा लगा है भाई इस ट्रक में, इसमें कुछ नहीं होने वाला भाई अपने को, फटाफट से निकलते हैं, बस थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे टैंक से सेफ रहना होगा। बाकी इनके टैंक्स देख रहे हो भाई फुल ब्लास्ट कर दिया, और एक सेकंड भाई अपनी गाड़ी फायर ना पकड़ ले भैंस की आंख, भाई क्या मस्त एंट्री लिया भाई अपनी सिक्योरिटी ने, पहले तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर ने आके फायर किया, देन उसके बाद अपने एक गार्ड आया और ये गाड़ी को यहाँ पे छोड़ के चला गया है। चलो गाइस अभी का सीन देखो, आ गए हैं सामने सिक्योरिटी गार्ड, इनको मार सामने फटाफट से, सबको मार भाई ऐसे पेल के, इनको पेल के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस अभी ना देखो जो अपना ट्रक है ना, इन लोगों को ये नहीं पता है कि वहाँ पे किस लिए आ रखा हूँ, इन्होंने तभी बोला था कि तुम जो कोई भी हो अपने को हमारे हवाले कर दो। देखो इनको नहीं पता है इनकी जो मशीन है ना वो इस ट्रेलर के अंदर है, तो फटाफट से ना मैं यहाँ पे फटाफट से जल्दी चलते हैं और एक कोई एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ से हम इन मशीन्स को बाहर लेके जाएं। और भाई जो सिक्योरिटी थी उसने अपना पूरा काम कर दिया है, अब आगे मुझे करना है जो भी करना है। चलो यहाँ से निकलते, और वेट भाई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे भी काफी सारे बंदे हैं पैस के आग, भाई यहाँ पे पता नहीं अचानक से इतने सारे गार्ड्स कहाँ से तो आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा भैंस के आग। जो मेरा गार्ड है ना भाई वो भी चारों तरफ गोलियां मार रहा, और देख रहे हो भाई सामने से भी टैंक आ रहा है। वेट भाई मुझे ना इनसे बच के निकल लगा, इनकी जो गोलियां ना जस्ट मेरे एकदम पास पास से निकल रही हैं भाई, ब्लास्ट कर इनको जल्दी से, फोड़ फोड़ जल्दी फोड़ जल्दी फोड़। भाई देखो मुझे ना यहाँ पे बस मेन टैंक से बचना है, भैंस क्या जो अपना सिक्योरिटी गार्ड है ना भाई ये मिसाइल से टैंक नहीं फोड़ पा रहा है। रुक जाओ यार मुझे ना थोड़ा सा सेफ चलना होगा, इस तरफ फटाफट से कोई एग्जिट चल के ढूंढते हैं। और वेट भाई इस तरफ भी इतने सारे टैंक्स हैं, नहीं नहीं भाई इधर तो कोई एग्जिट मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ यार मुझे ना कहीं और ही चल के देखना पड़ेगा। भाई समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊँ, इधर भी टैंक्स, वो तो सेफ है कि अपने पे गोले ज्यादा नहीं लग पा रही है। रुको यार वो मैं तो भूल ही गया था भाई, अपने जो ट्रक इसमें आरपीजी भी तो है, इनकी ऐसी की तैसी भाई, रोको अब आओ तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी इनके पास जाते हैं भाई, मेरा बॉडीगार्ड नहीं ब्लास्ट कर पा रहा ना, पर मैं तो कर सकता हूँ प्रयास क्या भाई। ये कैसी आरपीजी, दो मिनट में ब्लास्ट कर दिया, और ये क्या कर रही है यहाँ पे, तू भी निकल। चलो इसको तो अपने सिक्योरिटी गार्ड ने ब्लास्ट कर दिया है, और बिना फटाफट चल के इसका एग्जिट ढूंढते हैं। इस तरफ क्या है, आई थिंक यहाँ से कोई एग्जिट का रास्ता हमें मिल जाए ना तो सही रहेगा। नहीं 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 भाई इन वायरिंग से टच नहीं होना है बिल्कुल भी। भाई रुको यार मैं रेडियो पे पूछता हूँ, हेलो एग्जिट किस तरफ है भाई इसका, कहाँ से निकलना है हमको। ओके भाई जो जगीरा का बंदा है ना वो मुझे बता रहा है, देखो माइकल इसके सिर्फ दो ही एग्जिट है, एक तो तुम सीधा चलते रहो जहाँ से तुम पहले एंटर करने का ट्राई कर रहे थे ना उस तरफ जाके देखो। रुको
मैं ना आगे आ चुका हूँ। और एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर एग्जिट। और वेट भाई, ये क्या कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, भैंस की आंख भाई। इन लोगों ने ना यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर दी है, इस तरफ से हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और वेट भाई, पीछे टैंक आ गया, ये कहाँ से आ गया? रुको रुको, इसको ना फटाफट से आरपीजी से ब्लास्ट करता हूँ, निकल यहाँ से। चलो भाई, अबे नहीं हो रहा ब्लास्ट, रुको रुको, मैंने यहाँ भाई मल्टीपल आरपीजी छोड़ दिए हैं और ये यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है। भाई यार सुन मेरी बात, हेलो आवाज़ आ रही है? भाई यहाँ पे इन लोगों ने ना फुल बैरिकेडिंग कर दी और यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब क्या करना है? ओके भाई, वो बता रहा है माइकल प्लान ए कैंसिल। देखो अभी यहाँ पे सिर्फ एक और रास्ता बचा है, तो मैं किसी भी तरीके से सिर्फ वहीं से निकलना होगा। भाई यार इन लोगों, भाई कितनी सिक्योरिटी कैसे बढ़ा दी यार अचानक से। इसने मुझे कहा था कि ज़्यादा सिक्योरिटी हमको नहीं मिलने वाली है, और मुझे लग रहा है भाई सारी सिक्योरिटी आज ही हमको मिल गई भाई यहाँ पे। और एक सेकेंड, इसको भी उड़ाओ भाई, ट्रक इतना पावरफुल है कि भाई टक्कर से उड़ा रहा है। और एक सेकेंड बस, मुझे ना इन टैंक की जो आरपीजीज हैं उनसे यहाँ पे बचना है इजीली। भाई 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 कितनी गाड़ियाँ आए जा रही हैं, अपना जो सिक्योरिटी गार्ड है ना भाई वो भी फुल यहाँ पे लगा हुआ है। और एक सेकेंड भाई, मैं कहाँ फंस गया यार इन फेंसिंग में। चलो अब ना मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ, आई थिंक वो ना यहीं की बात कर रहा था। और एक सेकेंड भाई रुको, यहाँ पर एक और एंट्रेंस साइड एग्जिट है यहाँ पे। रुको, हम ना इससे आराम से निकल सकते हैं भाई। तो ना ये टैंक यहाँ पे मुझे टक्कर मार रहा है। वेट भाई, हाँ यहाँ से हम निकल सकते हैं। और एक सेकेंड वेट, अपने को ना रास्ता मिल चुका है। फटाफट से ना आगे चलता हूँ, और इधर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है फैंस की आँख। चलो अभी ना फटाफट से चलते हैं वापस, और वहाँ से ना अपना ट्रक उठाते हैं और सीधा निकलते हैं भाई यहाँ से। फाइनली मुझे लग रहा है ना अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। और एक सेकेंड भाई, इनको उड़ाता हूँ पहले। हाँ अब ठीक है, उड़ा दिया इस टैंक को भाई, बहुत देर से परेशान करता, तू भी निकल यहाँ से। चलो इसको भी उड़ा दिया, और एक लास्ट उधर वाला बचता है। भाई कितने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुको फटाफट से यहाँ से निकलते। और वेट भाई, पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पे आ रही हैं, इसका मतलब पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया भाई इन लोगों ने। अब ये जो चेज है ना बहुत लंबा होने वाला है। चलो मैं ना वापस आ चुका हूँ, सिक्योरिटी गार्ड मेरी बात सुनो, तुम ना यहाँ से गार्ड ये लेके निकलना। वेट भाई, वापस अंदर बैठ। गाइस भाई दिक्कत हो गई यहाँ पे, भाई मैं इस ट्रेलर से यहाँ पे लेके जाने वाला था, और इन लोगों ने ये ब्लास्ट कर दिया है। फैंस क्या, अब कैसे लेके जाऊँगा भाई मैं इस ट्रेलर को, और हमारे ट्रक में तो अटैच भी नहीं हो सकता है। भाई यार हमें, मुझे लग रहा है प्लान चेंज करना पड़ेगा भाई, मुसीबत पे मुसीबत आए जा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या तो करूँ। यहाँ पे और भी ट्रक्स है, आई थिंक ये वाला ब्लास्ट नहीं है। रुको फटाफट से ना इसको लेता हूँ। और एक सेकेंड भाई, इसमें भी आग लगा दिया, ये भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा अब थोड़ी देर में। फैंस की आँख भाई, दिक्कत पे दिक्कत हो जा रही है, अब क्या तो करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेट सिक्योरिटी गार्ड, मुझे ना तुम्हारी एक लास्ट हेल्प चाहिए, फटाफट से कुछ भी करके हेलीकॉप्टर लाओ और इस ट्रेलर को यहाँ से उड़ा के लेके जाओ, ठीक है? इतना मैं इनको देखता हूँ। रुको यार सिक्योरिटी गार्ड, एक काम कर, तो इस गाड़ी को लेके जा, और बाकी गार्ड्स को फटाफट से मैं बोलता हूँ रेडियो पे। रुको मैं ना यहाँ से निकलता हूँ, ये लोग ना इस गाड़ी के पीछे हैं, आई थिंक मैं इससे अलग रहूँगा ना तो यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। रुको यहाँ पे एक बार रुकता हूँ। गाइस यार अभी ना मैं फटाफट से अपने सिक्योरिटी को यहाँ पे एक कॉल दे देता हूँ। हेलो सिक्योरिटी, मेरी आवाज़ आ रही ना? फटाफट से एक काम करो, एक हेलीकॉप्टर लेके आओ, और यहाँ पे ना एक वाइट कलर का कंटेनर होगा, उसको तुम्हें उठाना और लेके जाना यहाँ से, ठीक है? और वेट, आई थिंक जो अपना एक हेलीकॉप्टर है ना वो भी यहाँ पे आ रहा है, इतना ना मैं उसकी यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। रुको ओ पैंस क्या, मुझे एक बार को लगा भाई ये मेरे पे चढ़ा देगा। रुको फटाफट से ना यहाँ से आरपीजी निकालते हैं और इसको यहाँ से फोड़ते हैं। भाई अपनी गाड़ी नहीं फूटनी चाहिए यार यहाँ पे, क्योंकि मैं ना इसी से यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। चलो मैंने इसको फोड़ दिया, अब ना मैं आप अपनी सिक्योरिटी की हेल्प करने वाला हूँ, मतलब हेलीकॉप्टर की हेल्प करने वाला हूँ। मुझे ना यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो बंदे अपने हेलीकॉप्टर पे फायर करेंगे ना उनको मुझे यहाँ पे डाउन करना है। रुक जाओ भाई, मैं ना पहले यहाँ पे ये गन चेंज करता हूँ। हाँ ये वाली गन मस्त है, अब आओ भाई अब इनकी बैंड बजाता हूँ। रुको यार बंदे कहाँ पर हैं? रुको रुको यहाँ पर है। और वेट, आई थिंक उसने ना जो ट्रेलर है वो यहाँ पे उठा लिया है परफेक्टफुली, और ऊपर भी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। रुको इसको ना मैं ब्लास्ट करता हूँ, कहीं अपने हेलीकॉप्टर का पीछा करे ना, उसको लोकेशन पता लग जाएगी। भाई रुको भाई, ईम नहीं लग रहा क्या? लग गया, अब गया वो बंदा। अब आओ यार अपना, मुझे बस इन बंदों को मारना है फटाफट से, और यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। फाइनली जो ट्रेलर था ना वो देखो, अपना हेलीकॉप्टर यहाँ से लेके निकल जाएगा, अब ना बस मुझे यहाँ से निकलना है। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं, इससे कि पहले भाई मेरी जो वेस्ट है पूरी यहाँ पे टूट जाए। रुको रुको यार, बाकी थोड़े बहुत जो बॉडीगार्ड्स है ना वो हमको बाहर मिलने वाले, और वो लोग हमारी यहाँ पे हेल्प करेंगे। चलो फटाफट से ना ये वाली गाड़ी यहाँ से अपनी लेके जाने वाला हूँ ट्रक को, और जल्दी से निकलते हैं। बैठ बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी। भाई मुझे लगा ठोक देगा वो बंदा, भाई बड़ी स्पीड में आता है। और ये देख रहे हो भाई, वो टैंक से उतर ही गया, उसको टैंक से मारना चाहिए था, वो सीधा उतर ही गया। रुको
फटाफट से ना मैं यहाँ से निकलता हूँ, जो अपना काम था ना अब वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। ओके यहाँ पे एग्जिट है भाई, देखो ये लोग ना यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगा रहे थे, बट इतना मैं उससे पहले ही आ गया। और निकल भाई यहाँ से, रुको रुको अपनी गाड़ी में आरपीजी भी है ना भाई, मेरे जो भी यहाँ पे सामने आएगा ना सीधा मैं उसको आरपीजी से यहाँ पे उड़ाने वाला हूँ। देखो अभी ना बस मुझे कुछ भी करके इनसे बचना है। और ये देख रहे हो सामने ना यहाँ पे इन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, और जो अपना गार्ड है ना भाई वो भी यहाँ पे फायर करने में लग गया है। अब यहाँ से फटाफट से निकलना है बस हमको ना भाई, इनसे कैसे बचेंगे मेरे पास वो आइडिया नहीं है, बट खुशी इस बात की है कि जो मशीन्स थे ना वो अपने पास आ चुके हैं। बस अब ना हम दोनों को यहाँ से सेफली निकलना होगा। रुको यार मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं भाई, आसपास कोई जंगल होगा ना, जंगल में चलते हैं जिससे इनका ध्यान अपने ऊपर ना आ पाए। और निकल भाई यहाँ से, गाड़ियाँ वाड़ियाँ फोड़ते हुए जाऊँगा सीधा ना भाई, मैं अब उड़ाते हुए जाएंगे भाई इनको, बहुत देर हो गई। वेट भाई, मुझे एक बार को लगा कि अपनी गाड़ी में फायर हो गई भाई, ये गाड़ी ना फायर तक भी नहीं पकड़ सकती है भाई, कुछ भी कहो। ये ट्रक लेने का अपना फायदा तो भाई बहुत ज़्यादा हुआ है। आई थिंक ये लोकल्स है भाई, नहीं लोकल्स में नहीं मारना है अपने को, सिर्फ इनको उड़ाना है पुलिस वालों को, ठीक है। जितने भी आगे गाड़ी आ रही है पुलिस वाली, सिर्फ इनको उड़ाते जाओ। और मुझे लग रहा है अभी गाड़ियाँ जो है ना धीरे धीरे कम हो रही है भाई, तो ना इसकी स्पीड भी बहुत मस्त है, हम ना आराम से निकल पा रहे हैं। चलो अभी ना वेट भाई, नहीं यार सामने से गाड़ियाँ आए जा रही हैं कंटिन्यूसली, मुझे ना आई थिंक जंगल वगैरह में जाना चाहिए। रुको रुको आई थिंक आगे से ना वहाँ पे एक रास्ता है राइट में, जहाँ पे हम आई थिंक पहले भी आ चुके हैं। रुको ये वाला रास्ता, चलो एक काम करते हैं फटाफट से ना इसी रास्ते से निकलते हैं ऊपर की तरफ। बस देखो हमें ना थोड़ी देर के लिए इनको पीछे रोकना है, फिर तो अपनी सिक्योरिटी आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और वेट यार ये तो अपने पीछे आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी ब्लास्ट कर भाई इनकी फटाफट से। ओके भाई आई थिंक ब्लास्ट कर दिया, और नहीं भाई मैं पीछे नहीं, चक्कर में अपना जो ट्रक है वो यहाँ पे गिर चुका है नीचे। भाई हम नीचे तो गिर गए बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, जो अपना ट्रक है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इजीली आराम से कहीं पे भी चढ़ जाता है। चलो अभी ना निकलते हैं, बट यार ये देखो मैंने सोचा था कि भाई जंगल में हम इनको पीछे छुड़ा लेंगे, बट ये तो यार यहाँ पर भी चारों तरफ आ चुके हैं। मुझे ना कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे अंधेरा टाइप सा हो, और एक सेकेंड कहीं दिन तो नहीं होने वाला है ना भाई, यहाँ पे दिन भी होने वाला है। रुको रुको मुझे ना दिन होने से पहले पहले इनको अपने पीछे से हटाना होगा कुछ भी करके। रुको यार मैं ना एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी तुम्हारी फिर से मुझे जरूरत पड़ने वाली है, फटाफट से आ जाओ क्योंकि यार यहाँ पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये ट्रक ना यहाँ पे अच्छे से चल नहीं पा रहा है। रुको यार इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ से निकालो भाई, फटाफट से रोड पे चलते हैं और तेज भगाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ना अपनी जो सिक्योरिटी अपनी लोकेशन पे आने वाली है, जीपीएस पे हमने उनको लोकेशन शेयर कर दी है, वो कुछ ही देर में अपने पास आ जाएंगी, बस हमें थोड़ी देर इनको ना यहाँ पे कंट्रोल करना है। भाई देख रहे हो सामने से भी रेगुलर गाड़ियाँ आए जा रही हैं, रुको फटाफट से इसको भगा दो। और एक सेकेंड भाई अभी मुझे मैप में कोई नजर नहीं आ रहा है, वेट यार सामने एक गाड़ी है भाई, पता नहीं है ये लोग ना, मुझे लग रहा है जीपीएस वगैरह तो नहीं लगा दिया इन लोगों ने अपने को, भाई पता नहीं कैसे तो देख पा रहे हैं यार अपने को, कहीं जहाँ भी जाया जा रहा है सीधा वहीं पे पुलिस आए जा रही है। और वेट भैंस की आंख भाई, फुल स्पीड में आके टक्कर मार रहे हैं ये लोग, अभी ना अपने जो भी सामने आता जाएगा ना भाई सीधा उसको आरपीजी से उड़ाएंगे और निकलते चलेंगे। भाई भाई मजा आ गया यार, अपनी जो सिक्योरिटी ने हेल्प करी है ना अपनी भाई, हेलीकॉप्टर से पहले वो टैंक को फोड़ना, फिर जो कंटेनर है उसको उड़ा के ले जाना, मतलब भाई बहुत तगड़ा सीन था, मतलब अगर सिक्योरिटी ना आती ना तो हम मुश्किल ही कर पाते भाई इस रॉबरी को, बहुत मस्त तरीके से कर लिया है। चलो अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, बस अपना लास्ट काम है इनसे बचना, किसी भी हाल में भाई जगह ढूंढनी होगी यार, मुझे ना यहाँ की कोई जगह भी नहीं पता है, अगर हम लॉस एंटर्स की तरफ होते ना तो भाई इजीली कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ लेते, बट ये ना पलीटो पे है तो यहाँ की मुझे कुछ ज़्यादा जगह पता नहीं है। और वेट मुझे ना यहाँ पे एक जगह दिख रही है, एक काम करो इसको फोड़ते हैं फटाफट से, निकल यहाँ से, देखो इसको मैंने फोड़ दिया है और इसके अंदर चलने का ट्राई करते हैं, आई थिंक हम ना यहाँ पर बच सकते हैं। रुको भाई ये जगह ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड एक काम करो तुम ना यहाँ से गाड़ी लेके निकलो, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुकता हूँ, ठीक है। चलो गाइस जिसको मैंने छोड़ दिया वो लोग ना इसके पीछे जाएंगे और मैं जस्ट यहाँ पे छुपने वाला हूँ। भाई ये बहुत सही जगह है, अगर यहाँ पे अपने को कोई ना ढूंढ पाए ना, बस मुझे ना यहाँ पे कोई छुपना होगा क्योंकि ऊपर चॉपर जो घूम रहे ना उनसे भी अपने को बचना है। चलो गाइस नहीं यार ये जगह सेफ नहीं है, रुको रुको यहाँ पे आई थिंक ठीक रहेगा। भाई मैं ना अभी फिलहाल इधर तो आ चुका हूँ और जस्ट ना मुझे यहाँ पे छुपे रहना है कुछ देर के लिए, बस जो चॉपर है ना भाई उससे मेन बचना है। रुको भाई काम करता हूँ नीचे ना यहाँ पे लेट जाता हूँ, अभी ठीक रहेगा। चलो गाइस मैं ना यहाँ पे लेट चुका हूँ, जो अपना सिक्योरिटी गार्ड है आई थिंक वो जो पुलिस है ना वो उसके पीछे जा चुके हैं, अभी मैं यहाँ पे फुली एकदम सेफ हूँ। गाइस यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन हो रहे हैं, ऊपर देख रहे हो भाई ऊपर ना अपने चॉपर घूम रहा है और यहाँ पे ना ये फुल मुझे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, आपको ना सायरन की आवाज भी आ रही होगी। भाई मुझे ना यहीं पे थोड़ी देर लेट रहना है,
बाकी जो यहाँ की लोकेशन है ना वो मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को शेयर कर दिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे भाई मुझे लेने के लिए। बट मैंने कहा कि अभी बिल्कुल मत आना, मैं चाहता हूँ भाई ये बस पुलिस अपने पीछे से हट जाए, उसके बाद यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। अभी बार बैठ के देखे क्या, रुको मैं यहाँ पे बैठ तो चुका हूँ, और इस वेट भाई इस तरफ से ना एक पुलिस वाला जा रहा है, और आई थिंक इसने मुझे स्पॉट कर लिया क्या। नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे वेट इसने मुझे देख लिया, मुझे ना इसको टपकाना पड़ेगा। रुको ये वाली गन निकालता हूँ, निकल यहाँ से। चलो इसको भी मैंने उड़ा दिया है, और फटाफट से ना अभी और कोई तो नहीं है ना, नहीं और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। अभी ना कुछ देर के लिए मैं एक काम करता हूँ भाई, यहीं पे लेट जाता हूँ, और जैसे ही पुलिस यहाँ से जाएगी ना उसके बाद मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। ओके तो गाइस अभी ना मुझे यहाँ पर वेट करते करते भाई बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और जहां तक मुझे नजर आ रहा है ना भाई अभी एक भी पुलिस का सायरन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और ना ही आसपास कोई भी पुलिस वाला है। अभी भाई फाइनली हमने जो मशीन से ना उनको चोरी कर लिया है, और साथ ही साथ भाई अभी कोई सीन भी नहीं हुआ, मतलब ना मिलिट्री वालों को भाई कानो कान खबर तक भी नहीं पहुंची है कि उनके यहाँ पे आके रॉबरी हो गई, और वो बंदा तक भी नहीं जानता कि किसने रॉबरी किया है। चलो ये तो अच्छी बात है। बाकी अभी ना मेरे पास अपने सिक्योरिटी का रेडियो कॉल आया था, और उन लोगों ने मुझे बताया कि वो मेरा बाहर जस्ट यहीं पे आसपास कहीं पे वेट कर रहे हैं। चलो यार जल्दी से बाहर चल के देखते हैं। मैंने को कहा था यार अंदर ही आ जाओ, बट वो कह रहा है सर यहाँ पे कोई जीपीएस लोकेशन नहीं शो नहीं हो रही है, तो चलो फटाफट से बाहर चलते हैं। बाकी अभी ना मैं अपने गन हाथ में रखने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई पुलिस वाला यहाँ पे छुपा हो। भाई फ्लैश वगैरह भी ऑन कर लेता है। देखो अभी का जो सीन है मैं आपको एक बार बाहर चल के समझाता हूँ, बाकी मुझे नहीं लग रहा। देखो भाई इतने सारे पुलिस वाले थे, अभी एकदम खाली हो चुका है भाई माहौल, कोई भी नहीं है आसपास। भाई मजा ही आ गया, मतलब आज इतनी तकड़ी फाइट हुई है ना गाइस। इसी बात पे ना भाई जिसने भी एपिसोड को यहाँ तक देख लिया है कमेंट में फाइट ओपी लिख देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा भाई मेरे किस किस वीर ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक भी करते चलो, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 18,000 लाइक्स का, जो कि भाई आप लोगों के लिए काफी आसान चीज है। तो फटाफट से सबके सभी लाइक कर देना भाई, एक वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो बस लाइक में एक सेकंड लगता है, तो भाई कर दे करो यार लाइक, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो फटाफट से एक काम करते हैं बाहर चलते हैं, और यहाँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है भाई सिक्योरिटी अपनी। अबे कहाँ रह गई, रुको रुको एक बार ना इनको रेडियो कॉल से पूछता हूँ। हेलो कहाँ पे हो तुम लोग? ओके वेट भाई आई थिंक वो आ रहे पीछे से भागते हुए, भाई वहाँ पे हैं ये लोग। एक सेकंड रुको मैं अभी फटाफट से ना भाग के वहीं चलता हूँ। भाई तो ये हाई वे यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी तेज चलती है ना भाई, इससे अच्छा तो तुम अंदर ही आ जाते भाई, ठोक ना दे। अबे तुम रोड के बीच में क्यों घूम रहे हो भाई, आओ फटाफट से चलता है यहाँ से। चलो भाई अपनी सिक्योरिटी आ चुकी है भाई, देख रहे हो मैं अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ अपनी गन मस्त अंदर, और पीछे चलेगी अपनी सिक्योरिटी भाई। कभी टशन टशन में कोई उड़ा के निकल जाना यहाँ से, फटाफट से पहले एक बार रोड को क्रॉस कर लेते हैं आराम से। हाँ अब ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से भाग के आओ जल्दी से। चलो गाइस अभी जो अपनी सिक्योरिटी है ना वो यहाँ पे आ चुकी है भाई। ओ भैंस की यहाँ किसकी है, ऐसी की तैसी बच गए भाई। अबे तुम क्या कर रहे हो भाई, मून वॉक क्यों कर रहे हो? और भाई एक बार देखो यार आप लोग इनको, कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है ना। और भाई हेलो ये क्या पहन के है, तेरा ड्रेस कोड कहाँ पे है? भैंस की यहाँ की भाई इतनी जल्दबाजी क्या थी आने की, देख रहे हो भाई बारिश में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है ये लोग। और ये भाई ऐसी आ गया, इसके जो पीछे का कपड़ा है वो पता नहीं हवा में उड़ गया है क्या, तो सीन हुआ है इसके साथ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको घर जाके वापस से दूसरा आउटफिट दे देंगे। चलो और हाँ बाकी आप लोग मुझे कह रहे थे कि व्याहान भाई कोई पर्सनल बॉडी गार्ड रखो, तो देखो मैंने ना एक बंदा सोचा अपने पर्सनल बॉडी गार्ड के लिए, मतलब रखने के लिए, वो आपको आने वाले एपिसोड में दिख जाएगा भाई। वो बंदा ना आप सब लोग उसको जानते भी हो, बस आप लोग को ये बताना है कि हाँ उसको रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। चलो वो तो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। अभी ना फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। अबे ये अपनी गाड़ी तो नहीं लग रही है मुझे, ये गाड़ी लेके क्या? अबे तुम भाई ये FIB की गाड़ी है, ये क्यों लेके आ गए तुम लोग? भाई अभी ये बंदा कह रहा है सर आपने तो कहा था कि जल्द से जल्द मेरी लोकेशन पे आओ, तो हम इतना गाड़ी लेने जाते तो टाइम लग जाता, इसलिए हम पुलिस वालों की गाड़ी चुरा के लेके आ चुके हैं। भाई यार क्या खतरनाक हो यार तुम लोग भी, वाकई आज मजा ही आ गया भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो फटाफट से गाड़ी में बैठो। और एक सेकंड ये लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ओए निकलो निकलो फटाफट से भागो यहाँ से, चक मस्त देख रहे हैं भाई यहाँ पे। चलो गाइस फटाफट से ना गाड़ी में बैठते, तुम लोग भी जल्दी से गाड़ी पे चढ़ो, कुछ लोग अंदर बैठ जाओ और कुछ लोग साइड में खड़े। भाई धक्का मुक्की मत करो आराम से भाई, मुझे लग रहा है ये लोग ना फाइट के बाद कुछ ज्यादा ही थक चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घर पे जाके मस्त रेस्ट कर लेंगे। और बाकी मैंने प्लान किया है कि भाई इनके लिए एक पूरा ट्रेनिंग रूम बनवाया जाए, जिसमें ये लोग अपनी गन प्रैक्टिस वगैरह करें। बताना गाइस कैसा आइडिया है, अपने घर में ही सोच रहा हूँ भाई उसको बनवाने के लिए, ठीक है। चलो तो देखेंगे, अभी फटाफट से एक काम करते हैं निकलते हैं यहाँ से। भाई बताओ यार पुलिस वालों की गाड़ी ले रखी है इन लोगों ने ना, यहाँ से लेते हैं फटाफट से। देखो अभी का सीन कुछ कैसा है, सॉरी सॉरी भाई बैठ जा जल्दी बैठ जा जल्दी बैठ जा। भाई मैंने शायद ज़्यादा ही टर्न तेज ले दिया, आ जा बैठ जा भाई जल्दी से। भाई ये लोग ना कुछ ज़्यादा ही थक चुके हैं यार,
भाई देखो यहाँ पे, अबे अंदर ही बैठ जाता है यार, अंदर मुझे लग रहा है एक दो सीट खाली थी, चलो कोई सीन नहीं, फ्रॉड से चलता है। बाकी हाँ यार देखो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम जाने वाले हैं अभी सीधा बैनी के पास। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई बैनी के पास क्यों जाना है, आपने तो मशीन चोरी की, अपना फैक्ट्री पे चलो डायरेक्ट जहाँ पे आप मशीन गन्स वगैरह बनाने वाले हो। देखो वहाँ जाऊँगा मैं सुबह, और बिना डायरेक्ट जो मशीन्स है ना हम उनको वहाँ नहीं लेके जाने वाले अपनी फैक्ट्री लोकेशन पे, क्योंकि गाइस देखो ऐसा भी हो सकता है कि उन मशीन्स में कुछ ट्रैकर वगैरह लगा हुआ हो और मैं उनको डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री पे ले गया ना, तो भाई मिलिट्री वहां पर भी आ सकती है। इस वजह से ना सीधा बैनी के पास लेके जाएंगे, देन उसके बाद कल सुबह भाई जैसे दिन होता है हम एक ट्रक को एक्सचेंज करेंगे और भाई इन मशीन्स को ना किसी दूसरे ट्रक में लेके जाएंगे अपनी गन फैक्ट्री पे, और वहां पे जाके फिर अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। बट देखो बैनी पे तो मैं जा ही रहे हैं अभी, बट वहां जाने से पहले ना अभी हम जाने वाले हैं सीधा जगीरा के पास। मैंने ना भाई इसको कॉल करवाई थी और उसको सारा सीन हमने बता दिया कि हमने जो मशीन्स वगैरह है वो सब कुछ चोरी कर लिया है। तो उसने मुझे कहा माइकल तुम एक काम करो अभी मेरी लोकेशन पे आ जाओ जहाँ पे उसने मुझे पहले बुलाया था, और वहां से ना हमें कुछ सामान लेके आना है। देखो इसके पास भी एक ट्रक है और उस ट्रक में आयरन ये कॉपर वगैरह है जिनसे सब गन्स वगैरह बनेंगी, तो बस हमें वो मटेरियल वाला ट्रक उससे लेना है और सीधा निकल जाएंगे फिर बैनी के पास, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे हम अपनी गन फैक्ट्री पे और सुबह ही हमको वहां पे जगीरा अपने बंदों के साथ मिल जाएगा। ठीक है तो चलो यार अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी मैं एक बार और याद दिला देता हूं भाई सभी को, जल्द से जल्द यार लाइक कर दो, हमें फटाफट से 18,000 लाइक कंप्लीट कर रहे हैं, और भाई अभी तो अपनी शॉर्ट्स भी आने लगे हैं, तो अब तो डबल डबल मजा यार, फटाफट से सभी के सभी लाइक कर दो। चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से गाड़ी को भगाते हैं और भाई सीधा चलते हैं जगीरा की लोकेशन पर। ओके तो गाइस अभी ना मैं अपनी गाड़ी को भगाते हुए आ चुका हूँ भाई सीधा जगीरा की लोकेशन पे, और इस बार ना हम कुछ ही अलग रास्ते से जा रहे हैं। रुको रुको हमें ना यहीं से आगे से राइट लेना है भाई, एक तो ना इसके मुझे लग रहा है हेडलाइट भी खराब नहीं होगी भाई गाड़ी की, नहीं हेडलाइट तो चलो काम कर रही है भाई, क्योंकि जहाँ पे जगीरा रहता है ना आपको पता ही होगा भाई कितनी सुनसान जगह और अंधेरा लग है। वैसे आज कोई डरने का सीन नहीं है भाई, सिक्योरिटी अपने साथ है, बाकी अभी तो अपनी अच्छी खासी बातचीत है भाई उस बंदे के साथ, कोई डरने वाला सीन नहीं है। बट भाई जब मैं पहली बार गया था ना भाई, मैं क्या मेरे व्यूअर्स भी डर गए थे भाई, सब लोग, मैंने आपसे पूछा था भाई कमेंट में, सब कह रहे थे भाई व्यान भाई बहुत डर लगा था उस सीन में। तो चलो फटाफट से चलते, और एक सेकेंड भाई यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप का, रुको रुको एक काम करते हैं भाई इसी तरफ चलते हैं, मुझे पता है भाई देखो उसने ना भाई पूरी प्लानिंग बैठा रखी है उस बंदे ने, मतलब ये जगह ना उसने ऐसे दिखा रखी है कि हॉन्टेड प्लेसेस, यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। ये वाली रोड है, हाँ मैंने कुछ गलत ही रास्ते चले गया था, देखो यहाँ पे लोग बाग भी जा रहे हैं। चलो फटाफट से चलते हैं, इसी रोड से हमें सीधा सीधा जाना है, ये सीधा पहुँच जाएगी भाई उसकी लोकेशन पे। और वेट भाई यहाँ पर भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो वो गाड़ी वाला था ना वो भी उस तरफ चला गया। और एक सेकंड भाई रुको, हमें तो जाना ही उधर है ना, रुको रुको हमारा काम उधर है, हम तो जानते हैं भाई उधर ही चलना है हमको। चलो फटाफट से चलते हैं, और भाई लाइट क्यों बंद हो रही है बार बार गाड़ी की, भाई इसने यहाँ पर भी एक साइन बोर्ड लगा रखा है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट एंटर रॉन्ग वे, भाई इसने भी हर जगह जगह साइन बोर्ड लगवा रखे है यार, इसी वजह से भाई कोई जाता भी नहीं देखा होगा आपने, वो गाड़ी वाला भी ना उस तरफ ही मुड़ गया था। चलो फटाफट से चलते हैं, और ये बुशेस भाई इसका गेट होता है एक तरीके का। ओके हम यहाँ पर अभी अंदर आ चुके हैं, और एक सेकंड भाई अभी क्या देखने के, हाँ ठीक है वही जगह है, मुझे एक बार को लग रहा है कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया ना। और ये देखो इस तरफ इसके डमीज वगैरह भी घूम रहे हैं भाई, कोई नॉर्मल बंदा इनको देखे ना आराम से डर जाएगा, बट उनको क्या पता भाई ये डमी, और देखो पीछे भी इसका बंदा घूम रहा है भाई। कुछ भी कहो यार इस बंदे ने ना इस जगह को एकदम हॉन्टेड तो बना रखा है। चलो हमें तो भाई पता ही है, फटाफट से चलते हैं अंदर। बाकी जगीरा से मेरी बात भी हो गई थी, वो कह रहा था फटाफट से हमको ना बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो ट्रक है उसको लेके यहाँ से सीधा निकल जाना है, जो जगीरा है वो सुबह सुबह आ जाएगा। और एक सेकेंड भाई यहाँ पर भी इसके काफी सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं, रुको रुको एक काम करता हूँ गाड़ी से उतरता हूँ, यहाँ पे ना इसका जो बंदा है वो आ चुका है, इसी से जरा बात करता है, और आई थिंक जो ट्रक है ना वो भी यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है। ओके भाई अभी ये मुझे कह रहा है माइकल तुमने काफी टाइम लगा दिया, तो जगीरा सर तो उन्होंने तुम्हारा काफी वेट किया, बट फिलहाल तो यहाँ से जा चुके हैं। भाई यार टाइम तो लगना ही था भाई, मैं मिलिट्री बेस से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ बच बचा के पुलिस से। ये कह रहा है माइकल कोई बात नहीं, तुम अभी फिलहाल के लिए एक काम करो, ये जो पीछे ट्रक खड़ा हुआ है ना इसको ले जाओ, जो जगीरा सर और हमारे जो गार्ड्स हैं वो कल सुबह तुम्हारी लोकेशन पर आ जाएंगे। चलो ठीक है यार इस ट्रक को तो हम फिलहाल यहाँ से ले जाएंगे। बाकी यार एक बात बता, इस ट्रक में आखिर ऐसा है क्या जो तुमने मुझे अभी बुलाया, भाई तुम खुद भी तो लेके आ सकते थे यार, कल तुम्हें तो आना ही है। ओके भाई अभी ये बंदा मुझे बता रहा है माइकल देखो बात ये है कि अभी हम ना तुम्हारी लोकेशन नहीं जानते हैं कि तुम्हारा जो गन फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, इसलिए जो बॉस है उन्होंने सोचा कि वो अभी तुम इसको ले जाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है रात को इतनी चेकिंग वगैरह होती नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी दे दिया था। चलो वो तो ठीक है, बाकी फटाफट से इस ट्रक को लेके चलते हैं। इसके अंदर ना जहाँ तक इसने मुझे बताया इसके अंदर कॉपर वगैरह है और एल्यूमिनियम वगैरह है जिससे हमारी गन्स वगैरह बनेंगी, मतलब देखा जाए तो कुछ इलीगल सामान नहीं है, बस जो मटेरियल यूज होना है ना वो सब इसके अंदर है,
और जो गन पाउडर है वो भी ये लेके आएंगे कल। ओके भाई, ये बंदा मुझे बता रहा है कि माइकल नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, गन पाउडर भी इसके अंदर ही रखा हुआ है। चलो ठीक है यार, तो मुझे ना फिर कुछ ज़्यादा ध्यान से लेके जाना होगा, क्योंकि अगर गन पाउडर आपको पता है ना गाइस बहुत जल्दी आग पकड़ता है, अगर उसने एक बार आग पकड़ ली ना तो भाई ये पूरा का पूरा ट्रक कब में को ब्लास्ट होगा पता भी नहीं चलेगा हमको। चलो अब ये कह रहा है चलो माइकल निकलो यहाँ से, हमको जो पूरी जगह इसको क्लोज भी करना है। चलो गाइस फटाफट से एक काम करते हैं, इस ट्रक को लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बाकी जो अपना सिक्योरिटी गार्ड है ना वो अपनी जो दूसरी वाली गाड़ी वाला, अपनी गाड़ी नहीं है पुलिस की गाड़ी है, उसको ड्राइव करेगा और मैं यहाँ पे इसको ड्राइव करने वाला हूँ। भाई लग्जरी कार से अब ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। फाइनली कल वो दिन होगा जिस दिन जो अपना वेपन का बिजनेस है वो शुरू होने जा रहा है। गाइज आप लोगों ने भाई जरा भी आइडिया नहीं होगा, एक बार जब अपना वेपन का बिजनेस चल गया ना उसके बाद भाई हम कितने बड़े बड़े माफिया से यहाँ पे डीलिंग करने वाले हैं ना भाई, बहुत तकड़े सीन होंगे। चलो एक काम करते हैं, भाई कहाँ चले जा रहा है तू, और पीछे कोई नहीं है ना? हाँ भाई एक तो जगह इतनी कम है, पता नहीं कहाँ तो टर्न करवा रहे हैं। जो अपना गार्ड है उसने गाड़ी को मोड़ लिया है, फटाफट से मैं भी इस ट्रक को यहाँ पे टर्न कर लेता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। चल भाई चल चल फटाफट से चल। ओके चलो हम ना इस ट्रक को लेके जा रहे हैं, बस देखो मुझे ना इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आराम आराम से यहाँ पे ड्राइव करना है। जैसा कि उसने मुझे बताया ना इसके अंदर रखा है गन पाउडर, भाई जो गन पाउडर है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो मुझे ना बस यहाँ पे आराम आराम से ड्राइव करना है। बाकी जो अपने गार्ड्स हैं वो अपने आगे आगे चलते रहेंगे। और हाँ यार गार्ड से आता है जो गाड़ी ले रहे हैं ना भाई, इसको भी मैं इसको दूरी छुड़वा देंगे यार, क्योंकि हो सकता है ये FIB वालों की है, तो इसमें भाई ट्रैक ट्रूकर हो ना, मतलब कुछ वो ट्रैक करते हुए अपनी गाड़ी को ढूंढने आ जाए और पहुंच जाए भाई सीधा हमारी लोकेशन पे, ये भी सीन हो सकता है, तो उसको भी ना हम दूरी कहीं पे छुड़वा देंगे। और अभी ये पता नहीं कौन कौन सी गली से जा रहा है भाई, इस रास्ते से गया हुआ है, कितने सारे रास्ते हैं हर जगह पे जाने के लिए। चलो गाइस अभी तो हम जाएंगे सीधा बेनी के सीक्रेट गैराज पे और आज पूरी रात हम वहीं पर रुकने वाले हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग निकलेंगे भाई अपने गन फैक्ट्री पे। मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाई है ना, वो भी कल ही दिखाऊंगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसने आई थिंक रॉन्ग टर्न तो नहीं लिया ना, नहीं रॉन्ग टर्न नहीं है। चलो चलो फटाफट से सीधा ही चलना है अपने को भाई, आराम से भाई, ऐसी ऑफ रोडिंग मत करवा यार इस ट्रक से। और भाई ये गलत ही रास्तों पे लेके आ चुका है यार यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ मुझे आराम से चलाना, और ये देखो कहाँ कहाँ रास्तों से लेके जा रहा है भाई, थार वाली ऑफ रोडिंग ट्रक से करवा रहा है भाई ये मेरे से। भाई ओए अबे कहाँ भाई, मैं कहाँ चल के आ गया हूँ, एक बार ये देखो गाइस आगे रास्ता भाई मुझे कहाँ से उतारनी है, वो तो मस्त आराम से उतार के जाया जा रहा है। भाई अंदर ना जो सामान रखा है वो खराब हो गया ना, मैं तुम्हें खराब कर दूंगा और कुछ नहीं। भाई ये देखो भाई कहाँ कहाँ से उतरवा रहे हैं ये लोग बिना, चलो आराम से उतर गए। वैसे मेरी ड्राइविंग इतनी तो खास है भाई, थोड़ी बहुत तो अच्छी ड्राइविंग है भाई, ये पहाड़ कहाँ से आ रहे हैं भाई छोटे छोटे। रुको आराम से आराम से आराम से बहुत आराम से, और भगे जा रहा है भाई वो सामने, रुक जा भाई मेरे लिए भी। ओके आराम से उतर गया है भाई, कौन से रास्ता है इससे मैं पहले नहीं आया हूँ क्या, पता नहीं कौन से रास्ते से आया भाई, फुल ऑफ रोडिंग हो चुकी है। बट चलो अभी आई थिंक प्लेन आए, ओ मैं नहीं जा रहा भाई तू अकेला चला जा भाई, पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है ये भाई, आराम से चल। ओह वेट चलो चलो ठीक है, अब ना आई थिंक यहाँ से मुझे राइट लेना होगा आगे से। भाई देख रहे हो आराम से सीधा ना हम लेफ्ट से आ जाते, ये बंदा कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है, मैं भी इसके गलत पीछे पीछे जा रहा था। अब तो आई थिंक प्लेन रास्ता आ चुका है भाई, यार उसने कहा है कि माइकल ध्यान से लेके जाना, और यहाँ देखो हम क्या हरकतें कर रहे हैं भाई, ये पीछे कीचड़ हो रही है यार पूरी। चलो आई थिंक अब तो फाइनली अच्छी रोड आ चुकी है, यहाँ पर इतना कुछ खराब नहीं है, वैसे खराब तो भाई हर जगह ही है। भाई ये पागल वागल हो गया क्या, राउंड राउंड काटे जा रहा है। रुको मैं वेट यहाँ से आराम से ऊपर चढ़ा लेता हूँ भाई, रुको 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 आराम से भाई, अंदर का जो सामान है ना वो नहीं खराब होना चाहिए। और ट्रक अटक गया क्या भाई, अबे क्या सीन हो रहा है अपने साथ, रुक जाओ गाइस मुझे ना मैंने यहाँ पे दिक्कत कर दिया है, अगर कुछ भी मशीन खराब हुई ना फिर बताऊंगा भाई इन लोगों को, वैसे उनकी भी गलती क्या है भाई, मैं उनका पीछा करते करते जा रहा हूँ। चलो आई थिंक अब यहाँ पे प्लेन रोड आ चुकी है फाइनली, चलो भाई अब आ गई है, अब जस्ट हमें इससे जाना है मेन रोड पे। भाई तो ना अंधेरा इतना है रोड नहीं देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो आया यहाँ से राइट, अभी किधर है रास्ता वो रहा देख गया मुझे, मैं ना यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ से जस्ट राइट ले लेंगे। भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक रास्ता है भाई, कभी थार थूर लेंगे ना तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने आएंगे, इसको फेंसिंग के तोड़ो भाई यहाँ से। चलो हाँ अब भाई अब आ रहा है यहाँ पे निकल के, इतने अच्छे खासे रास्ते से आया था मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ गया। चलो भाई फाइनली हम एक अभी अच्छी खासी रोड पे आ चुके हैं। भाई यार इसने बिना पूरे एक ट्रक से ऑफ रोडिंग करवा दी भाई यहाँ पे, वो तो ठीक है मैंने आराम आराम से निकाल लिया, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी सामान को कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई भाई इस ऑफ रोडिंग के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है गाइस, फटाफट से जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो। इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 18,000 लाइक का, जो कि आप लोगों के लिए भाई बहुत आसान सी चीज है, तो फटाफट से सभी के सभी लाइक वाला बटन प्रेस कर दो, और साथ ही साथ जो भी चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर देना, हमको जल्द से जल्द भाई 8 लाख सब्सक्राइबर करना है और फिर 1 मिलियन भी जाना है,
तो जल्दी से जल्दी भाई सब्सक्राइब कर दो यार सभी के सभी लोग। वैसे यार गलती तो मेरी है भाई, मैंने इनको रास्ता बताया नहीं है। ये तो वैसे भी लिबर्टी सिटी से आए, तो इनको लॉस सैंटोस का रास्ता पता कैसे होगा यार। देखो जब भी ये मेरे पास आते हैं ना तो GPS पे लोकेशन वगैरह लगा के आते हैं, और मैंने इनको कह दिया तुम आगे चलो। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी हो गई है। अब इन फटाफट से अपने ट्रक को भगाते हैं, मतलब भगाते नहीं भाई, आराम से चलाते हैं और चलते हैं भाई सीधा बेनी के सीक्रेट गैराज पर। ओके तो गाइस अभी मैं अपने ट्रक को भाई एकदम आराम से चला के लेके आ चुका हूँ बेनी के सीक्रेट बेस पे, और आई थिंक हमें यहीं से राइट लेना है। हाँ यही वो जगह है भाई, काफी टाइम बाद आ रहे हैं भाई यहाँ पे भी। और बेनी अंदर, ये मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था भाई, वो ना अपने आप डोर को ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। ओके तो गाइस डोर जो है वो यहाँ पे खुल चुका है। चलो भाई फटाफट से ना अंदर चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ भाई, जो अपनी सिक्योरिटी है ना, रुको गाइस यार यहाँ से ना सिक्योरिटी को आवाज जाएगी, एक बार ट्रक से उतर ही जाता है। सिक्योरिटी मेरी बात सुनो, जो तुम गाड़ी ले रहे हो ना अभी, इसको कहीं दूर छोड़ के आओ और अपनी SUV लेके आना बढ़िया सी, ठीक है? कोई भी अपनी बढ़िया सी SUV लेके आना और सुबह तक यहाँ पे आ जाना, ठीक है? हमें सुबह निकलना भी यहाँ से। चलो गाइस मैंने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको कह दिया है, ये लोग ना भाई इस गाड़ी को कहीं दूर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा भाई ये गाड़ी ना अपनी नहीं है, तो भाई कुछ भी सीन हो सकता है। और एक सेकंड बैनी भाई रुक जा, मुझे तो अंदर आने दे भाई, उसने बंद कर दिया गेट ये। रुक जाओ खुल गया भाई, वापस खुल गया, अब कर दे भाई क्लोज। आई थिंक बैनी भी ना अंदर ही है। चलो गाइस फटाफट से ट्रक को लेके चलते हैं। बाकी भाई जो इसका बेस है ना, उसने क्या मस्त बना रखा है ना भाई, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे अंदर एक सीक्रेट बेस है। और ये देखो भाई आगे से दिखाता हूँ मैं ना आप लोगों को, एक सेकंड रुको भाई, ये देखो यार एक बार इसको देख के एकदम जंगल वाली फील आती है। चलो फटाफट से चलते हैं भाई, मैं भी कोई तकड़ा सा अपना बेस ऐसा बनवाऊंगा। एक सेकंड भाई मुझे लग रहा है ऊपर से पेड़ वगैरह उड़ रहे हैं भाई यहाँ पे, तो यार ये दिक्कत ना हो जाए भाई, ट्रक को हमें यहीं से लेके जाना है। मुझे लग रहा है जो ऊपर पेड़ है ना वो यहाँ पे अड़ रहे हैं। रुको रुको यार मुझे ना थोड़ा राइट से निकालना होगा। हाँ अब ठीक है, जो अपना ट्रक है वो यहाँ पे निकल चुका है आराम से। भाई यार ये ट्रक भी ना कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है। चलो भाई फटाफट से अंदर चलते हैं, और यहाँ से ना आई थिंक हमें राइट जाना है। भाई भाई ये ट्रक की ड्राइविंग थोड़ी सी खराब है मेरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ना अंदर फाइनली आ चुके हैं। रुको भाई आगे वाले व्यू से देखते हैं, इससे ना कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है। हाँ यहाँ से हमें सीधा जाना है भाई, पता नहीं कैसा तो इसने बेस बना रखा है। और एक सेकेंड आ गए भाई फाइनली अंदर, पता नहीं कहाँ से निकलने खुल के। और अभी ना फिलहाल ट्रक को यहाँ पे लगा देते हैं, और ये देखो ये रहा वो ट्रेलर जो कि हम मिलिट्री बेस से चोरी करके लेके आ चुके हैं। और यहाँ पे ना आपको भाई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बैनी भी वहाँ से घूमता हुआ मस्त आ रहा है। भाई ये मशीन्स के पीछे हमने क्या कुछ नहीं किया भाई, कल से शुरू हो जाएंगे। और एक सेकंड भाई मैं बैनी को इग्नोर मार रहा हूँ भाई, और बता भाई बैनी बहुत दिनों बाद मिल रहे भाई, ठीक है तू? ओके भाई बैनी कह रहा है कुछ नहीं माइकल यार, बस पूरा दिन काम में ही निकल जाता है भाई, कुछ ज्यादा ही वर्कलोड पड़ रहा है भाई बंदे पे। चलो आ जाओ फटाफट से चलते हैं भाई। देखो अभी ना जो भी यहाँ पे सीन है मैं आपको कल सुबह दिखाने वाला हूँ, अभी बहुत रात हो रही है और मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ। देखो इसने ना यहाँ पे बेड्स वगैरह भी लगा रखे हैं, तो फटाफट से ना चल के सोते हैं। बाकी मैंने अपनी सिक्योरिटी को कह दिया है, वो ना गाड़ी वगैरह लेके अभी आ जाएंगे या फिर कल सुबह तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई डरने वाला सीन है, देखो ये जगह ना भाई इतनी सीक्रेट है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता भाई, यहाँ पे अंदर ये सब बना रखा है बैनी ने। चल भाई बैनी तो जो अपना काम कर रहा है कर ले, इतना मैं रेस्ट करता हूँ, ठीक है? फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। चलो गाइस यार अभी ना एक काम करते हैं भाई, फटाफट से यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं सुबह अपनी गन वाली फैक्ट्री के लिए। ओके तो गाइस अभी ना यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और भाई पूरी रात ना माइकल यहाँ पर सोया है भाई, जो इसके ऊपर वाली ड्रेस है ना वो मैंने उतार दिया है। और अभी देखो भाई यहाँ पे क्या सीन है, रुको एक बार ना उठ जाते हैं पहले यहाँ से, अबे उठ जा भाई फटाफट से और चल के देखते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे नजर आ रहा मेरी सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है। और एक सेकेंड ये ट्रक कौन सा है भाई, ये दोनों तो अपने ही है जो कि हम कल रात लेके आए, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड रुको भाई, बैनी यहाँ से आ रहा है, जरा इसी से पूछ लेता हूँ। बैनी भाई ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, जरा बताएगा मुझे भी? ओके भाई बैनी मुझे बता रहा है कि माइकल ये देखो जितने भी तुम्हारे दोनों ट्रक में सामान थे ना वो सब हमने इस वाले ट्रक में लोड कर दिया है, अब तुम सिर्फ यहाँ से ये वाला ट्रक लेके निकल सकते हो, किसी को तुम्हारे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होगा। भाई ये तो ठीक है, बट एक सेकंड रुको यार, इसने एक ट्रक में दो, वेट भाई एक बार ये देखो इसका साइज ही कितना है और इस वाले ट्रक का भैंस के आंख। भाई ये तो मुझे वैनिटी वैन लग रही है भाई, ये क्या सीन है, इसमें कहाँ से सामान आ गया, इसी तो वैनिटी वैन है। ओके भाई बैनी मुझे बता रहा है कि माइकल ये देखो ये ना तुम्हें बाहर से देखने में एक वैनिटी वैन लग रही होगी, पर ये डायमंड कैसीनो की एक बस है जिसमें कि वो डायमंड वगैरह शिफ्ट करता है, और ये वन ऑफ द सबसे सेफेस्ट बस है अब तक की लॉस एंटोस में। क्या बात कर रहा है भाई, ये भी ठीक है, मतलब देखो
लोग इसे देते हैं गाड़ी रिपेयर करने के लिए, ये भाई रिपेयर कब उनको यूज ज्यादा करता है भाई दूसरों की गाड़ियों को। चलो ठीक है भाई, अपना तो काम बन रहा है, बहुत सही है, इसमें हमें लेके जाना है। भाई ये देख रहे हो बाहर से भाई सही में कोई वैनिटी वैन टाइप लग रही है। चलो यार जो भी सीन है, बाकी यहाँ पर वो सारे हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं जिन्होंने कल रात अपनी जान बचाई है। भाई सही बता रहा हूँ, कल ना इतने तकड़े तकड़े सीन हुए हैं। मतलब ये देखो भाई, पहले अपनी सिक्योरिटी और जितने सारे टैंक्स है ना वो सब ब्लास्ट कर दिए, उसके बाद अपना एक सिक्योरिटी गार्ड आता है अपना जो हेवी ट्रक है ना भाई उसको लेके। देखो पहला जो हमारा प्लान था ना वो था भाई मैं आराम से इस ट्रेलर को ट्रक से अटैच करूंगा और ले जाऊंगा, बट जैसा कि आपको याद होगा भाई वहां पे ना वो जो ट्रक था जिसे हम लेके जाने वाले थे वो वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। इसी वजह से अपना एक सिक्योरिटी गार्ड आता है इस हेलीकॉप्टर को लेके और भाई ट्रेलर को उड़ा के यहाँ पर लेके आ जाता है। मतलब भाई सही बताऊं तो एकदम मजा ही आ गया भाई कल के रॉबरी में। बाकी देखो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना वो यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी लेके आ चुके अपने गैराज से, और ये देखो भाई यहाँ पे पता नहीं इनको क्या है भाई, सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं, रेस कर रहे हैं। भाई यार देखो मुझे ना ये चीज देख के आता है, मतलब इनका ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड बनवाने वाला हूँ मैं, या तो अपने घर के पास होगा या कहीं पे भी जहाँ पे अपनी एम प्रैक्टिस कर पाए, अपनी रनिंग वगैरह कार्डियो वगैरह कर पाए, तो ये भी हम जल्द से जल्द सोचेंगे। बाकी अब ना अपने पास मशीन्स आ चुके और जो वेपन बिजनेस है वो भी शुरू होने वाला है। गाइज आप लोगों को आइडिया नहीं है भाई उसके बाद क्या क्या सीन होने वाला है, मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी ना हम डीलिंग्स करने वाले हैं और काफी सारे बड़े बड़े जो माफियाज है ना उनसे अपने कनेक्शन होने वाले हैं। मतलब देखा जाए ना तो अब माइकल का जो नाम है वो जगह जगह सर्कुलेट होने वाला है भाई ये माइकल, क्योंकि वेपन वाला एक ऐसा बिजनेस है, वेपन की ना भाई हर माफिया को जरूरत पड़ती है, और हम जब उनको बेस्ट क्वालिटी वेपन्स देंगे उनका ट्रस्ट जीतेंगे तो भाई नाम तो बनना है यार फिर। चलो अभी एक काम करता हूँ भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है। देखो अभी ना फाइनली वो टाइम भी आ चुका है जब मैं आपको अपना वेपन फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ। अब हम जाएंगे सीधा अपनी वेपन फैक्ट्री पे और आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने भाई परचेज तो आई थिंक वो दो तीन पहले एपिसोड में कर लिया था बट आप लोगों को दिखाया नहीं था ना अब तक, चलो वो भी दिखा देंगे। चलो एक काम करता हूँ, बाकी ना अभी अपने गार्ड्स को कहता हूँ फटाफट से इस गाड़ी में चलते हैं और यहाँ से निकलेंगे भाई सीधा फिर अपनी वेपन फैक्ट्री पे। बाकी ये गाड़ी किसकी लेके आ चुके हैं यार, ये ग्रैंगर तो अपनी नहीं है, पता नहीं भाई ये ना एक सेकेंड, भाई बैनी कह रहा है माइकल ये मेरी ही गाड़ी है, ये रिपेयरिंग के लिए थी तो हमने सोचा कि ना इसी को यूज कर लेते हैं। अभी ना हम जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं उनमें से अपनी एक भी नहीं है, तो भाई कोई घबराने वाला सीन नहीं, हम आराम से जा सकते हैं भाई। ठीक है यार, मतलब अपनी गाड़ी यूज नहीं करनी है, जो आए जा रही है उनको यूज करवा रहा है, पता नहीं किसकी होगी। इसकी नंबर प्लेट पे LG लिखा हुआ है, LG से कौन हो सकता है पता नहीं यार, जो भी होगा। चलो गाइस अब इन फटाफट से अपने सिक्योरिटी को बोलता हूँ और जल्दी से निकलते हैं अपने वेपन फैक्ट्री के लिए। चलो गाइस यार अभी ना मैंने यहाँ पे बेनी को बता दिया है कि मैं आपसे जा रहा हूँ और फिलहाल नहीं अपने वर्कर से बात कर रहा है जो कि मेरे शोरूम पे आने वाले हैं, मेरे मतलब कि जो बेनी और मेरा है तो हम दोनों पार्टनर ही उसमें। चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बाकी जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है और अभी जल्दी से निकलते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड तो मेरी बात सुनो, तेरी भैंस क्या भाई, तेरा कपड़ा कहाँ है भाई, रात को उड़ा था अब तक पहना क्यों नहीं है तूने यार, भाई थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा क्या यार बिना उसके। अभी ना घर जाएंगे तुम वहाँ से अपने दोबारा से पूरा आउटफिट ले लेना ठीक है। चलो तुम ना एक काम करो उस वाले ट्रक में जाओ, तुम्हें जस्ट मेरे पीछे पीछे ड्राइव करना है। गाइस देखो इस बार ना भाई मैं ही चलाने वाला हूँ गाड़ी, आगे मैं चलूंगा और पीछे ये लोग चलेंगे। भाई पिछली बार देखा था ना कहाँ ऑफ रोडिंग करवा दी थी इन लोगों ने, अभी ना मैं यहाँ पर इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ और पीछे पीछे अपना ये ट्रक ड्राइवर आता रहेगा। भाई यार मतलब बढ़िया चल रहा है अभी ना सब कुछ। देखो जो अपने दो दो बिजनेस है ना वो शुरू होने जा रहे हैं, एक अपना जो मैकेनिक गैराज है वो चलने वाला है और जो वेपन का बिजनेस है उसके लिए तो हम अभी जा ही रहे हैं। और हाँ बेनी ने मुझे अभी एक गुड न्यूज भी दी है कि माइकल तुम्हारे लिए ना एक गुड न्यूज है, जो अपना न्यू वाला मैकेनिक गैराज है ना गाइस वहां पर कस्टमर्स आने चालू हो चुके हैं। भाई ये अपने लिए ना बहुत बढ़िया न्यूज है क्योंकि देखो भाई हमारा ना खर्चे पे खर्चा हुआ जा रहा है यार, कुछ अर्निंग ही नहीं हो रही थी, बट अब ठीक है भाई अभी ना अपना जो शोरूम है वो चल चुका है और जो अपना सबसे मेन बिजनेस है ना वेपन का इलीगल बिजनेस वो सबसे मेन है, क्योंकि भाई ज्यादा अर्निंग ना अपनी उसी से होने वाली है और जो अपने कॉन्टेक्ट हैं वो भी उसी से बढ़ेंगे। चलो यार वो भी आई थिंक आज या कल से शुरू हो ही जाएगा, फटाफट से चलते हैं। बाकी हाँ यार देखो गाइस मुझे ना आप लोगों से एक चीज भी पूछनी है, मैंने ना एक बहुत पहले बिजनेस स्टार्ट किया था अपना फार्मिंग का, मतलब एक फार्मिंग लैंड परचेज किया था, तो क्या मुझे वो वापस से कंटिन्यू करना चाहिए? आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके रिप्लाई का वेट करूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ना वापस से वो फार्मिंग लैंड को कंटिन्यू करने वाला हूँ और वहाँ पे एक बढ़िया सा फार्मिंग करेंगे और वहाँ पे भी हम अर्निंग वगैरह कर सकते हैं अपने वर्कर्स लगा के, ठीक है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो अभी फटाफट से चलते हैं और बाकी आज हम ट्रैवल से भी मिलेंगे भाई, बहुत दिन हो गए इससे मिले नहीं है भाई, बहुत सारे काम है, आप लोगों की फोटोज भी लगाई है तो फोटोज पे दिखानी है। बाकी जिसने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो यार, इस वाले एपिसोड का लाइक टारगेट है 18,000 लाइक का,
जो कि आप लोगों के लिए भाई बहुत आसान चीज है, तो फटाफट से सभी के सभी लाइक कर दो। वैसे गाइस यार मैं ना पिछले वाले एपिसोड के कमेंट्स पढ़ रहा था, भाई आप में से काफी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई डगन के बंदे ने ना आपकी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा दिया है, जीपीएस वगैरह, भाई ये चीज भी चेक करेंगे। वो जो गाड़ी थी ना वो मैंने भेज दी है चेकिंग के लिए, जैसा अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी जाएंगे हम वहां पे चेक करने के लिए, ठीक है। चलो यार अभी ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से गाड़ी को भगाते। वेट, एक सेकेंड भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? प्यास क्या? अबे ये लोग कौन है भाई? भाई रुको रुको रुको, मुझे ना अपनी गाड़ी को कहीं पे रोकना होगा। और एक सेकेंड, इनकी ऐसी की तैसी, ये लोग है कौन पर? सिक्योरिटी मारो इनको फटाफट से उतर के। और तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, मेरी वो तो ठीक था, मेरी सिक्योरिटी ने पहले ही देख लिया। प्यास क्या, ये है कौन ये लोग और हमारे पे क्यों अटैक कर रहे हैं? भाई देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। भाई देख रहे हो ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं वहां पे। तुम्हारी इनको यार गन चेंज करता हूँ, ये वाली आओ भाई। ये कौन है ये लोग, समझ नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे। प्यास क्या, कितनी सारी गाड़ियां थी। और एक सेकंड रुको भाई, ये कहाँ कहाँ से मार रहे हैं भाई? अपनी सिक्योरिटी ने ठीक था, इन लोगों ने देख लिया टाइम पे और हम बार बार बचे हैं भाई यहाँ पे। अभी कहाँ से मार रहा है कोई तो है जो छुप छुप के हम पे फायर। ये रे तुम्हारी ऐसी की तैसी है कौन यार ये लोग? रुके उनको बाद में देखेंगे, पहले ना एक बार इनको डाउन कर देता हूँ। और एक सेकेंड, अभी कोई बचा है क्या? नहीं, आई थिंक। एक सेकेंड, इधर से कोई मार रहा है। ये रहा यहाँ पे एक बंदा, इसको भी मैंने डाउन कर दिया। और एक पीछे वहाँ पे खड़ा हुआ था भाई, अचानक से पता नहीं, मैं तो मस्त यहाँ से निकलने वाला था भाई, तभी इन लोगों ने अपने ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। और भैंस की आँख, पता नहीं भाई क्या तो गलत सीन हुआ है। वो तो ठीक था, अपनी सिक्योरिटी ने इनको पहले ही देख लिया और सबको डाउन कर दिया। भाई अपनी सिक्योरिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। रुको यार इसको देखते हैं और प्यास क्या इनको भगाते हैं पहले। इधर आओ सिक्योरिटी, फटाफट से निकल यहाँ से भाई, आँख बुझाने आ गए हैं यहाँ पे। ये भी दो दो मिनट में आ जाता है। एक सेकेंड रुको भाई, जस्ट मैं यहाँ पे, पहले ना यहाँ पे कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ, उसके बाद मेरी सिक्योरिटी ने देख लिया भाई इन बंदों को और इन पे फायरिंग शुरू कर दी इन लोगों ने। भाई जस्ट बार बार बचे पर मुझे समझ नहीं आ रही लोग थे कौन यहाँ पर, क्या चाहिए था भाई इन लोगों को हमसे। प्यास क्या, इधर भी कोई है क्या? रुको मैं चेक कर लेता हूँ भाई सारी जगह ना चल चल के एक बार। इधर तो कोई नहीं है, ये ना ऊपर वहां पे खड़े हुए थे और इस तरफ से काफी सारे बंदे। भाई पता नहीं क्या क्या तो सीन हो रहा है यार अपने साथ। और पता नहीं भाई ये कौन सी नई गैंग है, मैंने तो यार इनको पहले कभी देखा नहीं है। पता नहीं भाई क्या तो सीन है, मतलब देखो हमारी ना इनसे कोई दुश्मनी है ना कुछ है, पता नहीं फिर इन्होंने हमारे पर क्यों अटैक किया। और एक सेकेंड, अपना ट्रक तो सेफ है ना? हाँ भाई चलो ट्रक सेफ है, बुलेट प्रूफ ट्रक था भाई तभी इसका फायदा हो गया। और वो ग्रैंगर देख रहे हो भाई, ये ग्रैंगर अपनी नहीं थी ना और ये बुलेट प्रूफ नहीं थी, इस वजह से जो अपनी सिक्योरिटी है ना भाई उसको भी यहाँ पे काफी सारी गोलियां लग चुकी हैं। भाई यार चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, अपनी जो सिक्योरिटी है ना सबके सब सेफ हैं। अपने को ना यार एक पर्सनल डॉक्टर भी रखना है जो इनका ट्रीटमेंट वगैरह करता रहे टाइम टू टाइम। चलो गाइस जिससे पहले ना यहाँ से निकलते हैं कि इनके और बंदे यहाँ पे आए। भाई वैसे जो अपनी सिक्योरिटी है ना कल भी इतनी फाइट ली थी, काफी ज्यादा थकी हुई है, तो भाई मैं नहीं चाहता इनको और ज्यादा लड़ना पड़ जाए अभी यहाँ पे, तो फटाफट से ना भाई यहाँ से चलते हैं जल्दी से। देखो भाई मेरा प्लान तो ये था, पहले अपने जो गैराज है वहां पे जाऊंगा मैकेनिक गैराज और वहां से कोई बढ़िया गाड़ी लेके आऊंगा, बट नहीं यार मैं ना भाई इस ट्रक को अकेला नहीं छोड़ने वाला, मुझे लग रहा है किसी ना किसी का तो हमारे ऊपर नजर है भाई, जो अपने ऊपर नजर रखे। अच्छा मुझे लगा भाई वो बंदे हैं, बट वो तो मेडिक वाले हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेडिक वाले इनको यहां से उठा के ले जाएंगे। बट भाई बहुत दिक्कत होते होते बच्चे भाई। एक सेकंड, मुझे लगा कोई फायर कर रहा था। नहीं नहीं मुझे गलती हो गई। चलो भाई फटाफट से यहां से निकलते हैं। और अभी ना भाई मैं नहीं जाने वाला हूं सीधा अपने गैराज वगैरह पे, सीधा चलते हैं भाई अपनी फैक्ट्री पे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ना कोई तो है जो अपने पीछे नजर रख रहा है भाई अपने पे, बट पता नहीं भाई वो कोई भी हो सकता है। डगन के तो बंदे यार ये थे नहीं, डगन के बंदे तो वो है ना जो स्कल वगैरह लगा के रखते हैं, ये तो कोई अलग ही बंदे थे यार। चलो जो भी सीन है, बाकी ट्रक कहाँ पे रह गया यार? एक सेकंड रुक जाओ। ओके ट्रक भी यहाँ पर आ चुका है, उसने मोड़ लिया गाड़ी और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। भाई ये देख रहे हो जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स है ना यहाँ पे, इनको थोड़ी बहुत गोलियाँ लगी है भाई। वो तो ठीक है, मैंने भी यहाँ पे वेस्ट नहीं पहन रखी थी यार, अभी मैं भी सेफ हूँ। भाई बहुत गलत सीन हो गया था यहाँ पे भाई, यार पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने सारे बंदे निकल निकल के आ रहे हैं, वाला दुश्मनी नहीं है ना जिनसे। और भाई ये क्यों अपने पे फायर कर रहा था? फैंस की आग बिना मतलब ही, मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर एम कर रहा है भाई ये बंदा, खामखा पंगे ले रहा है। चलो गाइस यार ऐसे तो भाई यहाँ पर बंदे आते ही रहेंगे, और बिना इन पे ध्यान नहीं देते और अपनी गाड़ी को फटाफट से भगाते हैं और सीधा चलते हैं भाई अपनी गन फैक्ट्री पर। ऑल राइट, तो गाइस अभी ना मैं इस गाड़ी को भगाते हुए आ चुके हैं भाई सीधा अपना गन फैक्ट्री की लोकेशन पे। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि हमने परचेज की थी बहुत पहले। देखो ये वो जगह है भाई, यहाँ पर अपना गन फैक्ट्री और सामने ही वो देखो वहां पर अपना बेनी मोटरवर्क्स। भाई देखो मैंने ना जानबूझ के सिटी के बीच में लिया है,
भाई जिससे किसी को शक भी ना हो कि भाई यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है कुछ, ठीक है। एक काम करता, अपनी गाड़ी को बिना मैं अंदर ही ले लेता हूँ। यहाँ से ना देखो राइट में जाके आगे ना मैंने पूरा कवर करवा दिया भाई वहाँ पे सामने चल के। देखो अभी ना एक काम करते हैं भाई, इस गाड़ी की एक बार जरा हालत देखो आप लोग, गंदी भी हो गई और साथ ही साथ भाई काफी ज्यादा इसके जो खून वगैरह भी लग रखे हैं और शीशे वगैरह भी टूट चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, तुम एक काम करो, तुम ना इस गाड़ी पे रहना, तुम एक काम करो इस गाड़ी को लेके जाओ सीधा बेनी वर्क्स पर, वहां पे जाके रिपेयर करवा दो, ठीक है इसको। चलो भाई ये लोग तो ले जाएंगे उस गाड़ी को, इतना मैं चलता हूं और भाई दिखाते हैं आपको चल के अपनी गन फैक्ट्री। बाकी मेरी जगीरे से भी कॉल पे बात हुई थी भाई, वो बिना अपने बंदों के साथ यहाँ पर आ रहा है। और ये देखो भाई यहाँ ना आपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी काफी सारे खड़े कर रखे हैं, मतलब देखो ज्यादा तो नहीं है बट हाँ कम कम मैंने गार्ड्स लगा रखे हैं। बट भाई आगे जाके ना यहाँ पे सबसे ज्यादा गार्ड्स ही होंगे, क्योंकि देखो भाई ये जगह ऐसी जगह होने वाली है बहुत खतरनाक भाई, वो तो आपको आगे चल के दिख ही जाएगा। और ये आप सोच रहे हो भाई विहान भाई कहाँ गलियों में जा रहे हो, ये ना एक तरीके से हमने डंप यार्ड टाइप बना रखा है। ये देखो भाई यहाँ पे ना रास्ते बना रखे अपने बेस में जाने के लिए, और ये डंप यार्ड है, कोई भी बाहर से आके देखेगा ना उसको लगेगा भाई तो खंडार है, यहाँ पे तो सारी बेकार बेकार सी गाड़ियां पड़ी हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं, तो भाई यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं। ऐसे ना हमने ये रास्ता बना रखा है इससे, बाकी जो अपनी सिक्योरिटी है वो अंदर किसी को आने देगी नहीं, वैसे आता भी नहीं है कोई, ठीक है। चलो अब आ चुके हम यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पे आके ना लोग कोई भी अगर आ भी गया भाई चांसेस है हमारी सिक्योरिटी रहेगी, अगर आ भी गया तो वो यहाँ से मुड़ के वापस चला जाएगा। बट अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है, हमें ना सिंपली इस गाड़ी में बैठना है और इस तरफ आना है गाड़ी के और यहाँ से उतर जाना है, और यहाँ से हम जा सकते हैं अंदर, है ना भाई मस्त रास्ता। देखो ये था नहीं ऐसा बट ये रास्ता अपने सिक्योरिटी ने बनाया भाई, ये सही बता रहा हूँ, बहुत मास्टरमाइंड बंदे है। चलो फटाफट से काम करते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको मेन चीज दिखाता हूँ भाई। ये ना बहुत बड़ा बेस है, अभी आपको छोटा सा लगेगा देखने में बट यहाँ पे ना काफी कुछ हो सकता है। और ये देखो भाई ये वो जगह है जहाँ पे अपनी गन्स वगैरह बनेंगी, अभी तो आपको काफी ज्यादा अंधेरा दिख रहा होगा ना, बट जब यहाँ पे मशीन्स वगैरह लग जाएंगे ना भाई, यहाँ पे प्रॉपर फैंस लगेंगे, लाइटिंग लगेगी, ये बहुत तकड़ी जगह बनने वाली है। देखो अभी तो अंधेरा अंधेरा सा है बट लाइट लगने के बाद ना ये काफी ज्यादा मस्त हो जाएगा। और यहाँ पर एक अपना ऑफिस टाइप रूम भी है, देखो वैसे तो मैं यहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगा, मतलब कोई भी माफिया वगैरह होगा डीलिंग की ना, हम एक प्रॉपर जगह बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना गाइज, आगे बहुत कुछ तगड़े तगड़े सीन होने वाले हैं, तो बस जस्ट वेट करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिसने नहीं कर रखा है, क्योंकि बहुत मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है हर बार की तरह। तो चलो देखो मैं आपको पूरे तरीके से अच्छे से दिखा देता हूँ भाई, इतना भी अंधेरा नहीं है यार जो टॉर्च की जरूरत पड़े। यहाँ पर अपना ये छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे हम कुछ अपना काम वगैरह कर सकते हैं, और देखो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने, सीसीटीवी कैमराज भी यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देखो यहाँ पे ना ये इस पूरे बेस की रिकॉर्डिंग करता है, और कैमरा भी आई थिंक वो लगा हुआ, कैमरा भी आई थिंक हमने बाहर ही लगा रखा है, यहाँ से तो आपको दिखेगा नहीं, रुको बाहर चल के दिखा दूंगा मैं बाद में। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे अपना स्टोर रूम है। देखो भाई जो गन पाउडर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा वो सीरियस चीज है, मतलब कि आग वगैरह लग सकती है, तो उस गन पाउडर को ना हम यहाँ पे रखने वाले हैं, इन जगह पे पूरा स्टोर करेंगे। और यहाँ पर गन पाउडर लिया, और ये यहाँ पे बनेंगे अपनी गन्स वगैरह, एम्यूनेशन वगैरह। और इसकी ना एक बहुत बड़ी जगह है जो कि अंडर बेस है, और ज्यादा बड़ी, वो मैं आपको कभी आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी गाइस अगर आपको अपना एक गन फैक्ट्री वाला बेस पसंद आया तो भाई कमेंट में बेस ओपी लिख देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा भाई मेरे किन किन सब्सक्राइबर को ये पसंद आया और किस किस ने वीडियो यहाँ तक देख लिया। और साथ ही साथ भाई लाइक करते चलो यार, लाइक बहुत मेन है, मैं देख रहा हूँ भाई काफी सारे लोग अभी वीडियो देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, तो जल्दी से लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में लिखना, आप लाइव चैट में लिख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। चलो अभी ना फटाफट से एक काम करते हैं, आपको दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ चल के। और एक सेकेंड भाई, ये जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये मुझे कह रहा है कि सर ऊपर जगीरा आ चुका है, तो एक बार जरा उससे भी जाके मिल लो। चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से ऊपर चलते हैं, और जगीरा भी यहाँ पे आ चुका है। देखो भाई काम ना भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो अपना मैकेनिक गैराज है वो भी चल चुका है, और यहाँ पे जगीरा के बंदे भी आ चुके हैं जो कि यहाँ पे काम वगैरह करेंगे। फटाफट चलते हैं, बस ना पता है सबसे मेन टास्क क्या है, वो है भाई यहाँ पे जो हम मशीन से लेके आए हैं रखना। देखो मेरी जो सिक्योरिटी है वो रख देगी, बट उनको ना गाड़ी वगैरह ये सब हटाना पड़ेगा। चलो वो तो देख लेंगे, अपनी जो सिक्योरिटी है वो कर देगी, और जो जगीरा के बंदे हैं उनके साथ मिलके। अभी मैं चलता हूँ बाहर और देखते हैं भाई जगीरा कहाँ पे तो है और क्या क्या सामान लेके आया भाई वो बंदा भी। बाकी यार एक चीज तो है, जो माइकल है ना भाई, वो अभी अकेला सा पड़ रहा है। देखो जो ट्रैवर है ना भाई, वो तो आपको पता है भाई उसकी हालत अभी खराब हो रखी है, और वो हमने एडमिट कर रखा है अपने जो सीक्रेट बेस है। पर यार फ्रैंकलिन का पता नहीं भाई वो कहाँ तो है कहाँ नहीं है, मतलब अलग से ही हो गया यार वो भी। उसको कॉल करेंगे और उसको बुलाएंगे भाई, ये बिजनेस वगैरह संभालना है उसी को, उसको अगले एपिसोड में देखते हैं भाई, बुलाता हूँ कहाँ पे है वो। और एक सेकेंड भाई, अपना ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ था ना, वेट सिक्योरिटी गार्ड ट्रक किस तरफ है अपना? ओके ये कह रहा, ओ बैक साइड में भाई, वहां पे आया क्या जगीरा? मुझे लगा यहाँ पे अपना वेट कर रहा होगा। रुको गाइस यहाँ पे ना इसकी बैक साइड भी है,
जहां पे अपना सामान रख सकते हैं। वेट भाई, इन्होंने तो ट्रक से सामान अनलोड भी कर दिया इतनी जल्दी जल्दी। क्या फास्ट काम कर रहे हैं भाई ये लोग, ये देख रहे हो। और एक सेकेंड, मुझे यहाँ कुछ सामान ज्यादा नजर आ रहा है यार। देखो ये तो वो मशीन से जो कि हम अपना मिलिट्री बेस से लेके आए थे, और वहां पर वो सब सामान क्या है भाई। बाकी जगीरा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वेट आई थिंक ये वो सामान है जो कि हमें जगीरा के ट्रक में मिला होगा, जो जगीरा भी लेके आया है भाई। यहाँ पे ना आई थिंक ये आयरन रॉड्स वगैरह है, और इस तरफ काफी सारा सामान है। यहाँ पे कंप्रेसर वगैरह भी ये लेके आया है भाई। सही में यार, इस बंदे को सारी नॉलेज है कि गन्स वगैरह कैसे बनती है। और उस तरफ ना अपने कुछ कबर्ड्स रखी हुई है जिनमें हम अपनी न्यूली मेड वेपन्स को रख सकते हैं। भाई यार ये तो फुल प्लानिंग के साथ आया, मतलब देख रहे हो ना, यहाँ पर अपने पास आई थिंक सारा सामान आ चुका है। अब अपना जो बिजनेस है ना वो प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। चलो एक बार ना जगीरा से भी पूछ लेता हूँ, भाई ये सब सामान ठीक है ना, और कुछ तो नहीं चाहिए ना इसके अलावा। ओके भाई, अब ये कह रहा है कि माइकल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आओ जरा इधर। भाई अब ये कह रहा है, ये देखो माइकल, ये है पूरा ब्लू प्रिंट जिस तरीके से हम काम करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं जो भी तुम गन्स वगैरह सेल करोगे उसमें से 35% कमीशन मेरी रहेगी, तो तुम एक बार ब्लू प्रिंट को अच्छे से देख लो। भाई देख, ब्लू प्रिंट वाला यार तेरा काम है भाई, वो तो तुझे देखना है कैसे काम करना है, वो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। बस तू ना भाई जितनी ज्यादा बल्क में बना सकता है उतनी ज्यादा बल्क में बना, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, मैं कल एक पूरी प्रॉपर मीटिंग रखने वाला हूँ, सारे माफियाज आएंगे उसमें, और वहां पे सबको मैं ऑफर देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द तू जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चर कर पाए उतना ठीक है अपने लिए, ठीक है। चलो गाइस, अभी ना मैंने इसको अच्छे से बता दिया है, आज जो अपनी ये वेपन्स वगैरह ना बनानी शुरू कर देगा। और यहाँ पे देखो भाई, ये वाली जो मशीन है ना भाई, ये मुझे लग रहा है वो लेजर जो गन होती है ना, लेजर टाइप, वो इसके अंदर बनती है भाई। पता नहीं क्या तो सीन है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। चलो जो भी सीन है, और एक बार ना यहाँ चल के देखता हूँ। इस तरफ देखो भाई, ये वो वाला ट्रक है जिसमें हम अपना सामान लेके आए थे, और फिलहाल मुझे लग रहा है ये अभी भी यहाँ पे सामान वगैरह कुछ अनलोड कर रहे हैं। और ये वाला ट्रक जगीरा लेके आएगा भाई, ये तो मेरे वाला नहीं है, हाँ ये भी लेके आएगा भाई। सामान तो बहुत सारा लेके आया है, आई थिंक इसमें ना गन पाउडर वगैरह रखा होगा। ये कह रहा है माइकल तुम टेंशन मत लो, मैं ना काम एकदम टाइम पे दूंगा तुम्हें, जैसे ही गन्स वगैरह बन जाए करेंगी मैं तुम्हें एक कॉल कर दिया करूंगा, बस तुम अपने कस्टमर्स टाइम टू टाइम लेके आते रहना भाई। कस्टमर्स का कोई सीन नहीं है, देख कस्टमर तो मैं लाइन लगा दूंगा, बट तू जो गन्स है ना वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि भाई देख जो हम ये बिजनेस कर रहे हैं ना वो काफी ज्यादा रिस्की भी है, क्योंकि अगर एक भी वेपन खराब निकलती है तो भाई जिस माफिया को भी हमने वो वेपन दिया ना, तो भाई उससे हमारी दुश्मनी भी हो सकती है। तो तुझे ट्राई करना है कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के वेपन्स बनाए, ठीक है। यहाँ पे भाई अपने को ना बिजनेस अपना बहुत ग्रो करना है, तो बढ़िया से काम करियो। चलो गाइस, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, बाकी आज अपने जो काम है शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं भाई अपने मेन काम की तरफ। देखो गाइस, अभी ना मैंने इनको बता दिया अपना काम सब कुछ शुरू हो चुका है, अब है मेन कस्टमर्स को बुलाना। और कस्टमर्स कहाँ से बुलाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हम यहाँ पे सारे के सारे माफियाज को बुलाने वाले हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई माइकल देखो बड़ा नाम तो है, बट माइकल अभी सब माफियाज को नहीं जानता है। लॉस एंटस में भाई काफी सारी गैंग्स हैं। इनफैक्ट भाई ये देखो, अभी हमारे ऊपर अटैक हुआ और हम ये भी नहीं जानते कि वो गैंग कौन सी थी। तो यार इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक ऐसे बंदे की हेल्प लेनी है जो कि इस मार्केट में काफी ज्यादा पुराना खिलाड़ी है, और जहां तक मेरी नजरों में वो बंदा लिबर्टी माफिया है। गाइस देखो, जहां तक मुझे पता है ना भाई, कुछ सालों पहले तक जो ये वेपन सप्लाई का काम होता था ना, वो सब लिबर्टी माफिया के अंडर आता था। जहां तक कि भाई उसने डक गन छोड़ो, रोलेक्स तक को भी उसने गन सप्लाई किए हैं। जब पहले सब कुछ ठीक था ना, तब की बात मैं कह रहा हूँ, बट पता नहीं अचानक उसकी फैमिली प्रॉब्लम ही है, फिर क्या आया, उसने जितने भी इलीगल काम थे वो सब छोड़ दिए। उसके बाद से उसने अपना वही ऑयल वाला बिजनेस चालू कर लिया, जो कि हम जब लिबर्टी सिटी में गए थे आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भाई देखो, अभी तो वो वेपन सप्लाई का काम नहीं करता है, बट उसके पास उन सबके कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब कि सब लोग जानते हैं भाई ये लिबर्टी माफिया गन सप्लाई करता है। तो अगर वो बंदा उन सबको बुलाएगा एक मीटिंग के लिए इस गन सप्लाई की, तो भाई मुझे जहां तक लगता है वो सब लोग आएंगे, ठीक है। तो मैं ना इसी रीजन से उसको कॉल करने वाला हूँ और उससे पूछते हैं अपनी मदद के लिए। तो चलो फिर यार, फटाफट से उसको कॉल करता हूँ और उसको समझाता हूँ सारा सीन जो भी अपना बन रखा है, और फिर आप लोगों को बताता हूँ जो भी अपने बीच में बात होती है। ओके तो गाइस, अभी ना मेरी यहाँ पे लिबर्टी माफिया से बात हो चुकी है, और भाई मैंने इसको सब कुछ बता दिया है कि देखो मैंने ऐसे एक नया प्लान शुरू किया है, मतलब एक नया बिजनेस शुरू किया है वेपन का, बस मुझे कस्टमर चाहिए जो कि माफियाज होने वाले हैं सारे। तो भाई उसने पहले तो मुझे मना ही कर दिया भाई, वो कह रहा है कि माइकल नहीं, ऐसे कोई भी माफिया किसी नए बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो वो लोग मुश्किल ही आएंगे। बट मैंने उसको बाद में कहा, यार तुम एक काम करना, तुम ना अपने नाम से बुलाना कि तुमने नया बिजनेस शुरू किया है, तो वो 100% आएंगे। मैं ना वहां जाके उनको ऑफर दूंगा, फिर वहां तो वो देख ही लेंगे, वहां तो मैं आगे संभाल लूंगा सब कुछ। तो बस तुम इतना कर दो कि एक पूरी मीटिंग अरेंज करवा दो, इसमें सारे के सारे माफियाज आ जाएं,
उसने कहा चलो ठीक है माइकल, फिलहाल तो अभी मैं बिजी हूँ, बट वो परसों लॉस एंटोस आने वाला है और उसने ना आज वो सबको कॉल कर देगा और मुझे लगता है परसों तक सबके सब माफियाज आ जाएंगे भाई। फिर उसके बाद जो सीन होने वाला है ना बहुत तकड़ा होगा। मतलब यार वो सीन तो मैं भी खुद देखने के लिए मतलब वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे सारे माफियाज होंगे और माइकल उनके बीच में जाएगा तो काफ़ी बढ़िया सीन लगेगा वो भी। और वहाँ से ना हो सकता है कि अपने अच्छे खासे कनेक्शन भी बन जाए। और जैसे कि आपको याद होगा ये जो जगीरा है ना, ये मुझे इसके बारे में भी मुझे लिबर्टी माफिया ने बताया था। बाकी मैंने भी इसकी कॉल पे बात करवा दी भाई लिबर्टी माफिया से, उसने इसको अच्छे समझा दिया कि माइकल अपना ही बंदा है तो जो भी काम करो अच्छे से करना। लिबर्टी माफिया ने इसको सब कुछ समझा दिया है बढ़िया तरीके से। चलो यार अभी ना मुझे लगता है सारा जितना अपना प्लान है वो सब कुछ हो चुका है। बाकी आज देखो यार मुझे ना आपके नाम भी दिखाने थे और तो और भाई ट्रावर से भी मिलने जा रहा था, बट यार वो सब नहीं हो पाएगा क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ना अपने नेक्स्ट एपिसोड में दिखा देंगे। बाकी हाँ यार देखो नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं आप सबकी फोटोज़ भी दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट से भाई जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है जल्दी से फॉलो कर लो। और नेक्स्ट एपिसोड में ना भाई मैं सबकी फोटोज दिखाऊंगा अपने न्यू वाले मेंशन में, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाओ और मुझे वहां पर फॉलो कर लो। और जैसा कि आपको पता है भाई इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 18,000 लाइक का, जैसे वो कंप्लीट होता है अपनी वीडियो आ जाएगी। और हाँ देखो मैं इस बार आपको बता देता हूँ भाई, अभी ये वीडियो अभी खत्म हो रही है, मैं जस्ट इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए बैठ रहा हूँ, तो भाई फटाफट से सभी के सभी लाइक कर देना। देखो नेक्स्ट पार्ट अब तो जल्दी आएगा भाई, लेट इसलिए होता है मैं थोड़ा लेट बनाना स्टार्ट करता हूँ, बट अभी मैं जल्दी बनाना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही खत्म हुआ है तुरंत एक घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं जा रहा हूँ भाई इसका नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने, तो फटाफट से भाई सभी के सभी लाइक करना भाई। देखो अब मैं भी हार्डवर्क कर रहा हूँ तो भाई जल्दी से एक लाइक तो बनता है यार, जल्दी से सभी के सभी लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। जिसने भी एपिसोड को लास्ट तक देखा है ना अपने नाम के साथ ओपी लिख देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा भाई मेरे किस किस सब्सक्राइबर ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बाकी आज वाली वीडियो में भाई हमने बहुत ज्यादा धमाका कर दिया है, मतलब देखो भाई हम मिलिट्री बेस से एक चीज चोरी करके आ चुके हैं और उसके बाद भी ऐसे फ्रीली खड़े हुए हैं, मतलब किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है भाई। जो भी सब तनाई है, एक तो इसका बंदा था उसकी वजह से और दूसरा अपनी सिक्योरिटी की वजह से, उसका प्लान अच्छा था और अपनी सिक्योरिटी का भाई जो पावर है ना, मतलब जो एंट्री लेते हैं जगह जगह पे आके बचाते हैं माइकल को, वो भाई बेस्ट चीज़ है। बाकी आपको भी जो सीन इसमें सबसे बेस्ट लगता है वीडियो में उसको स्टोरी लगा के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, मैं सबकी स्टोरी रीशेयर करूंगा। और बाकी जो गाइस नेक्स्ट एपिसोड है ना जहां पे सारे के सारे माफियाज आने वाले हैं उनकी फोटो अपने व्हाट्सएप पे आएगी, कॉलाज फोटो आएगी और वहां पे ना फटाफट से ज्वाइन कर लो। जो भी आपको सबसे ज्यादा पावरफुल माफिया लगता है आपको जो सिंपली उस पर वोट करना है, तो वो वाला पोल भी बहुत जल्दी आने वाला है। देखते हैं भाई किस माफिया को सबसे ज्यादा वोट मिलने वाली है और हो सकता है कि वहां पर रोलेक्स भी आ जाए, क्योंकि भाई देखो इतना बड़ी मीटिंग हो रही है सारे के सारे माफियाज आ रहे हैं, ये बात उस तक भी जरूर पहुंचेगी। तो मैं ना वहां पे एक प्लान बना के भी जाने वाला हूं। तो मैं बता रहा हूं भाई आप लोगों को जो आने वाले एपिसोड्स है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा भाई बहुत धमाल तकड़ी तकड़ी चीजें आने वाली हैं, तो जल्दी से सबके सब सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मस्त मस्त चीजें आने वाली हैं। तो चलो गाइस यार इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें धमाकेदार सिनेमैटिक्स भी होने वाले हैं। तो फिर स्टे ट्यून भाई, बहुत मजा आने वाला है अपने अपकमिंग एपिसोड में। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई, शेयर कर दो एपिसोड को जितना फैला सकते हो ना उतना शेयर कर दो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल फ्रेंड जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है भाई हर जगह शेयर कर दो। हमें जल्द से जल्द भाई 1 मिलियन करने हैं, 1 मिलियन पर एक बहुत स्पेशल वीडियो आएगी जिसका मैंने भाई बहुत पहले ही प्लान बना लिया था। तो चलो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।